सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के अर्जुन बैच में और ये जो जो केजे क्लासेस का अर्जुन बैच है इस जो के जे क्लासेस नियम क्या होंगे आपको क्या क्या चीजें सावधानी बरतनी है कैसे कैसे आप जीएसटी के अर्जुन बनेंगे तो पहली अर्जुन बनने की क्वालिटी ये है कि आप सब लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे जो लोग अपने आप को म्यूट नहीं रखेंगे वो अर्जुन की कैटेगरी से बाहर हो गए दुर्योधन और दुशासन की कैटेगरी में चले जाएंगे तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर माइक चेक करना है कि यहाँ पर लाल सिग्नल होना चाहिए माइक का आप हमेशा म्यूट रहें जब मैं आपको बोलूं तभी आप अनम्यूट करें अदरवाइज़ क्लास के दौरान अर्जुन बनने की पहली कंडीशन क्या है कि आप अपने आप को म्यूट रखेंगे दूसरी चीज दूसरी चीज जब तक मैं ना कहूँ तब तक सारे लोग ठीक है ना, जब तक मैं ना कहूँ तब तक सारे लोग अपनी जो ये क्लासें लेंगे वो वीडियो ऑन करके लेंगे जब मैं कहूँ वीडियो ऑफ कर लो तो ठीक है अदरवाइज़ अर्जुन बनने की दूसरी कंडीशन ये है कि तुम्हारे को क्लास लेते समय वीडियो ऑन रखनी है ठीक है जी मैंने बात करी थी दुर्योधन से दुशासन से ये लोग जब क्लास लेते थे द्रोणाचार्य से ये वीडियो ऑफ कर देते थे जूम पे ठीक है अर्जुन से मैंने बात करी वो कह रहा मैं तो वीडियो ऑन करके सुनता था तो अर्जुन अगर बनना है तो वीडियो ऑन करके क्लास लेनी है दूसरी कंडीशन तीसरी कंडीशन कोशिश ये करनी है चाहे संडे हो चाहे कुछ भी हो आप जब भी क्लास ले एक प्रॉपर आपका बैठने की जगह हो एक प्रॉपर आपका ड्रेस कोड हो ठीक है ना 90 परसेंट केसेस में सब चीज़ें प्रॉपर हो एक पढ़ने लिखने का माहौल हो समझ रहे हो अगर आप ऐसा कर सकते हैं ये सारी कंडीशन तब करनी है आपको अगर ये कर सकते हैं अब मान लो तुम्हारे घर पे छोटा बच्चा है बार बार आकर वो अनम्यूट कर दे रहा है तो कभी कभी चल जाएगा कि चलो छोटा बच्चा परेशान कर रहा है लेकिन कोशिश करनी है म्यूट घर पर अगर स्पेस ऐसा है जहाँ पर क्लास ले सकते हैं तो वहीं पर क्लास ले ठीक है अगर मान लो स्पेस ऐसा नहीं है कोई बात नहीं ठीक है तो आप जो भी स्पेस आपको मिले शांति वाला वहाँ पर बैठ जाए ठीक है ना तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई प्रॉपर कपड़े प्रॉपर ठीक है क्योंकि अभी गर्मियाँ आएंगी तो गर्मियों में कुछ लोग नंगे क्लास ले रहे होते हैं ठीक है ना तो वो बिल्कुल तुम बताओ ना महाभारत में महाभारत में नंगा कौन हुआ था बाद में दुर्योधन हुआ था ना अर्जुन नहीं हुआ था ना तो ये सब जो लक्षण है दुर्योधन नहीं बनना है अर्जुन बनना है चौथी कंडीशन चौथी पांचवी कंडीशन आज सब लोग यहां पर ऑनलाइन आ गए धीरे धीरे क्या होगा धीरे धीरे क्या होगा ये अपने आप को रिकॉर्डिंग पे शिफ्ट कर लेंगे कहेंगे रिकॉर्डिंग तो मिल ही रही है तो भाई साहब क्यों ऐसा करते हैं तीन से छः ना मूवी देखने चले जाते हैं तो भाई साहब आप ये मान लो जब तक ये बैच चलेगा जो लोग लाइव देखेंगे उनकी अर्जुन बनने की संभावना ज़्यादा है मैंने बात करी थी मैंने बात करी थी दुशासन से दुर्योधन से कह रहे हम तो रिकॉर्डिंग देख लेते थे अरे रिकॉर्डिंग देख के थोड़ी होगा कि अर्जुन ने कैसे तीर चलाया गुरुजी ने कैसे बताया रिकॉर्डिंग से थोड़ी पता चलेगा तो अर्जुन बनना है तो लाइव पे आना पड़ेगा ठीक है ना तो ये मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूँ कि जिससे आप अर्जुन बन जाए अब अगली बात अब कई लोगों का कन्फ्यूजन ये है अर्जुन बैच में कि सर आपने जो है कंटेंट में आपको अभी बताने वाला हूँ क्या क्या कंटेंट पढ़ाएंगे ये कंटेंट अगर पूरी शिद्दत से मैं पढ़ाऊंगा और पूरी शिद्दत से तुम पढ़ोगे तो यह डेढ़ सौ घंटे से ऊपर जाएगा लेकिन एक समय ऐसा भी था जो मैंने अच्छा इसमें एक स्टूडेंट मेरे को अगर ज्वाइन कर लिया है उसने नबी नाम का एक स्टूडेंट है एस एल ए से नबी क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो नबी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अनम्यूट करें अपने आप को मेरे रिकॉर्ड में आया था कि भाई एस एल से नबी ने एक स्टूडेंट ने ज्वाइन करा है चलो वो आज रिकॉर्डिंग में मोड में चले गए होंगे या ज्वाइन कर लेंगे कोई ऐसा है जो मुझे एस के टाइम से जानता है हेलो हाँ नबी नबी आ गए गुड आफ्टरनून सर हाँ उल्ला देखो मुझे नाम से याद है इनका मेरे फ़ोन में इनका नंबर सेव है एस एल नबी के नाम yes, से हाँ नबी आप कब से क्लास ले रहे हो मेरे से पहली क्लास कब ली थी 2017 में जब इम्प्लीमेंट हो रहा था जब जीएसटी इंप्लीमेंट हो रहा था तब इन्होंने 2017 में क्लास ली थी कौन से महीने में ली थी ये में 17 में मई 17 में ली थी तो यहाँ पर इस बात का सबूत है कि मैं 2016 दिसंबर से दिसंबर 2016 से जीएसटी पढ़ा रहा हूँ ये लेट आए हैं इनसे पहला है कोई स्टूडेंट जो मेरे से जी पढ़ता हो एसएलए नबी नबी उल्ला से कोई है स्टूडेंट जो पहले पढ़ता हो सर मेरा ही नाम है नबील्ला हाँ इनसे पहले पूछ रहा हूँ कि कोई और पढ़ता हो आई थिंक ही इज माई ओल्डेस्ट स्टूडेंट ठीक है ना नहीं अभी ओल्डेस्ट की बात हो रही है तो इन्होंने 2017 से पढ़ा है ठीक है ना लेकिन के जे क्लासेस ने कोई डिस्काउंट तो नहीं दिया ना तुम्हारे को पुराना अनम्यूट करो अनम्यूट करो नबील्ला अनम्यूट करो, अन्म्यूट करो, अन्म्यूट करो, अन्म्यूट करो। अनम्यूट कर लो हाँ। हाँ। मैं, मैंने मैंने डिमांड की थी डिस्काउंट के बट नहीं मिला हाँ वो, वो ये बड़े <laughs> निर्दयी लोग ये देते नहीं इनकी पॉलिसी है सबको एक ही डिस्काउंट देते किसी को नहीं देते ये भी शर्म नहीं करी कि 2017 हजार सत्रह से नबील तो 2017 के बाद इन्हें याद आई मेरी 2024 में बीच में भी एक दो बार इन्होंने ज्वाइन कराए ठीक है सर yes, तो ये क्या है सात सालों से जी पढ़ा रहा हूँ लगभग सौ बैच पढ़ा चुका हूँ तो अगर मेरे हिसाब से तुम चलोगे जीएसटी में जो मैं आपको कह रहा हूं उस हिसाब से चलोगे तो जीएसटी का अर्जुन बनना आपका तय है मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो दुर्योधन भी बन सकते हो करण भी बन सकते हो नकुल सहदेव युधिष्टर जितने भी पात्र है सब बन जाओगे ठीक है ना तो कोशिश ये करनी है कि आपको ये मानकर चलना है कि हाँ कपिल सर को ना दो से बढ़ा रहे ठीक है मैंने कोई पैसे वैसे दे नहीं लाया ठीक है ठीक है ना तो आपको एक सिस्टम से पढ़ाएंगे ठीक है अब दूसरी चीज़ जैसे मैंने तुम्हें बताया ये कोर्स लगभग डेढ़ सौ घंटे प्लस है अगर तुम सिद्धत से पढ़ोगे और मैं सिद्धत से पढ़ाऊंगा अब जैसे ही मैं डेढ़ सौ घंटे की बात करता हूँ तुम सब मैथ्स में बहुत तेज हो तुम कैलकुलेशन कर लेते हो तीन घंटे की क्लास है पचास क्लासें होंगी तो पूरे साल चलेंगी बावन हफ्ते बीच में एक आधी छुट्टी भी होगी ठीक है ना जैसे जो भी छुट्टी होगी मैं तुम्हारे को पहले इन्फॉर्म कर दूंगा 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में जो संडे है उसकी छुट्टी है तुम्हारी क्लास नहीं होगी 99 परसेंट ठीक है ना 99 परसेंट तुम्हारी क्लास नहीं होगी एक परसेंट अगर होगी तो मैसेज जा आ जाएगा अदरवाइज 99 परसेंट का मतलब 100 ही होता है लेकिन फिर भी मैं एक परसेंट के चांस लेके चलता हूँ ठीक है तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूँगा तो सर ये कोर्स तो बहुत चल जाएगा नहीं इसमें क्या होगा कि जैसे अभी तो एट्टी लोग हैं हंड्रेड्स लोग हैं जैसे जैसे जो जो अर्जुन ठीक है ना दुर्योधन बनते जाएंगे वीडियो ऑफ करते जाएंगे क्लास में नहीं आएंगे रिकॉर्डिंग देखेंगे तो लाइव क्लासेस के बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे एक वोट डलवा के ड्यूरिंग द क्लास कि क्या हम इस क्लास को एक महीने बाद दो महीने बाद तीन महीने बाद क्या सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास कर ले या ना कर ले अगर हमारा 50 परसेंट से ज़्यादा का वोट परसेंटेज किसी भी एक्स्ट्रा क्लास के लिए आएगा तो बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज होगी उसे वो फॉलो करनी पड़ेगी ठीक है लेकिन वो होगा परसेंटेज बेसिस पर ही ठीक है जिसमें मेरा भी वोट डलेगा मेरी वोट की पावर थोड़ी सी ज़्यादा होगी लेकिन यकीन मानिएगा जो लोग पहले से पढ़कर आए हुए हैं मैंने किसी भी बैच में अपनी मर्जी थोपी नहीं है लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि स्टूडेंट का नुकसान हो क्योंकि तुम्हारे बैच की वैलिडिटी एक साल है ठीक है ना तो एक साल के अंदर मुझे इस कोर्स को ख़त्म करना है तो हम कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लगा कर हम इस कोर्स को आठ महीने नौ महीने सात महीने में फिनिश कर दें ठीक है वो भी डिपेंड करेगा कि जब आप लोगों की परमिशंस होगी ठीक है जी समझ आ गई ये वाली बात तो अगर किसी को लगता है नहीं भाई साहब ऐसा गड़बड़ हो जाएगा तो वो पहले ही बता दे मेल डाल दे कि भाई साहब ये दिक्कत है हमारे को ठीक है ना हम नहीं कर सकते ये सर जी एक साल आज से ही काउंट होगा जिस दिन तुमने परचेज करा वहाँ से एक साल काउंट होगा ठीक है ना वहाँ से एक साल काउंट होगा ठीक है जी अब यहाँ पर मुद्दा आता है कि भाई सर क्लास में पढ़ाओगे क्या ठीक है अब मुद्दा आता है कि सर क्लास में पढ़ाओगे क्या तो भाई देखो जब मैं क्लास की बात करता हूँ कि क्लास में क्या पढ़ाने वाला हूँ तो पहली बात ये जो क्लास चलेगी इसके अंदर सी ए फाइनल का स्टडी मटेरियल हम यूज करेंगे अब कई लोग कहेंगे कि साहब ये ना स्क्रीन क्लियर नहीं है तो जब मैं इसे जूम करूँगा ये क्लियर हो जाएगी और उसके अलावा ये नोट्स मैं ग्रुप में आपको दे चुका हूँ ठीक है तो आप वहाँ से देख ले ठीक है ना ठीक है ना अब ये कहते हैं सौरभ कुमार जी की दो घंटे की क्लास कर लो अरे दो साल लग जाएंगे फिर कोर्स को ख़त्म करने में तुम मेरे साथ बैठोगे ना तुम्हें तीन घंटे पता ही नहीं चलेंगे चार घंटे पता ही नहीं चलेंगे कि कैसे निकल गई तो इसकी टेंशन मत लो ठीक है ना और अगर हमारे को फ्यूचर में रहा तो हम इसकी क्लास को एक्स्ट्रा कर देंगे तो जब मैं क्लास की बात करूंगा कि भाई साहब इस क्लास में पढ़ाना क्या है तो पहले ना बाउंड्री तय कर लो भाई साहब आप साथ में नोट्स बनाना चाहो नोट्स बना लो आप सुनना चाहो सुन लो कि मैं इस क्लास में पढ़ाने क्या वाला हूँ बाउंड्री हम तय कर लेते हैं कि भाई ये डेढ़ घंटे के कोर्स में डेढ़ प्लस घंटे के कोर्स में होगा क्या ठीक है जी तो 150 प्लस घंटे के कोर्स में सबसे पहले जीएसटी को लाने के लिए 2016 में जीएसटी आया था जीएसटी आया था कौन सी डेट से फटाफट से बताओ जीएसटी कौन सी डेट से आया था जीएसटी कौन सी डेट से आया था फटाफट से बताओ जुलाई 2017 दो हजार सतारह एक जुलाई दो हजार सत्रह ठीक है ना फटाफट से बताने का मतलब क्या होता है म्यूट करके अपने आप को चैट बॉक्स में डालना म्यूट रखना अनम्यूट नहीं करना अब ये नाम आ गया लेना वो अब ये कोई इनका नाम थोड़ी है लेना वो अब टीम क्या करेगी जैसे ही देखेगी लेना वो तो ये सोचेगी कि ये भाई ये कोई अनवांटेड पर्सन आ गया इसे रिमूव कर देगी फिर ये कहेंगे मुझे ऐड कर लो दोबारा तो रीनेम कर लो फटाफट से तो इनका कहना है साहब जुलाई एक जुलाई दो से जी आ गया था ठीक है ना लेकिन जी को लाने से पहले संविधान को अमेंड किया गया किसे अमेंड किया गया संविधान को तो भाई संविधान को क्यों अमेंड किया गया तो आज इस पर डिस्कशन होगा फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सी जी एस टी एक्ट क्या पढ़ेंगे अब ये बताऊंगा कौन सा एक्ट क्या होता है क्या नहीं होता ठीक है ना कौन सा एक्ट क्या होता है क्या नहीं होता वो बताऊंगा लेकिन अभी मान कर चल लो सी जी एस टी एक्ट पढ़ेंगे 2017 में जो आया था जिसमें लगभग एक सेक्शन है एक सेक्शन में से हम लगभग सौ से ज़्यादा सेक्शन पढ़ेंगे पूरे इस कोर्स के दौरान आप नोट कर लेना कि हम सौ से ज़्यादा सेक्शंस को पढ़ेंगे वैसे एक सौ चौहत्तर हैं जब इनके हम सब सेक्शंस वगैरह को काउंट करते हैं या ए बी सी वाला काउंट करते हैं तो इनके सेक्शंस ज़्यादा हो जाते हैं तो हम सौ से ज़्यादा सेक्शंस को यहाँ पर कवर अप करेंगे ठीक है ना हर वो व्यक्ति वीडियो ऑफ कर ले जो फ़ोन पर बात कर रहा है हर वो व्यक्ति वीडियो ऑफ कर ले अपनी जो फ़ोन पर बात कर रहा है क्योंकि अगर तुम फ़ोन पर बात करोगे और वीडियो में मुझे दिखेगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैंने अपना फ़ोन साइड में रख दिया और अगर प्रधानमंत्री का भी फ़ोन आएगा ना प्रधानमंत्री का भी फ़ोन आएगा वो क्लास के बाद ही उठाऊँगा समझ में आ रही है मेरी बात को तो जब क्लास मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है तो आपके लिए भी क्लास उतनी ही इम्पोर्टेंट होनी चाहिए ठीक है समझ में आई मेरी बात हाँ जिसका कैमरा खराब है वो ठीक करा लो क्योंकि अर्जुन बनने की कंडीशन क्या है वीडियो ऑन होना ठीक है ना समझ में आई मेरी बात उसके बाद ठीक है उसके बाद सर ये वीडियो ऑन कराते क्यों हो एक तो पहली बात अगर मैं अपनी वीडियो ऑफ कर लूँ और फिर तुम्हें पढ़ाऊँ मैं एक दिन कर देता हूँ ऐसे बीच में मजाक कर लेता हूँ तुम्हारे साथ तुम्हें मजा नहीं आएगा तो जब तुम्हें मजा नहीं आएगा मेरी वीडियो ऑफ होकर तो मुझे भी मजा नहीं आता जब स्टूडेंट वीडियो ऑफ करता है समझ में आई मेरी बात या नहीं है ना ठीक है तो आप इसे नेक्स्ट संडे तक ये सारे रूल्स नियम फॉलो कर लेना भाई साहब ठीक है इसके बाद हम पढ़ाएंगे सी के रूल्स जो लगभग एक रूल्स है तो यहां पर भी वही सिद्धांत चलेगा कि हम सौ से ज्यादा रूल्स पढ़ाएंगे ठीक है ना मेरे हिसाब से मैं ड्यूरिंग लेक्चर मैं कोई कॉल अटेंड नहीं करूंगा तो मेरा सजेशन ये है अर्जुन बनने की अगली कंडीशन कि कॉल अटेंड ना करें साइलेंट पे रखें क्लास ख़त्म होने के बाद कॉल अटेंड करें अगर क्लास पढ़ाते पढ़ाते मैं कॉल अटेंड करूंगा तुम्हें कैसा लगेगा मैं अटेंड कर रहा हूँ हाँ भैया रामलाल ठीक है तू अरे क्लास ले रहा था मैं करता हूँ ना तुझे थोड़ी देर में अभी संडे को भी क्लास ले रहा है अभी संडे को क्लास कौन लेता है चला घूमने चलने चल ठीक है यार मैं ना रिकॉर्डिंग देख लूँगा ठीक है बाद में चलेंगे तो मैं क्लास पढ़ाते पढ़ाते फ़ोन कर रहा हूँ तुम्हें अच्छा लगेगा नहीं लगेगा तो इसलिए मैंने साइड में रखा तुम भी साइड में रखोगे ठीक है ना समझ आई मेरी बात या नहीं ठीक है फिर उसके बाद हमने रूल्स पढ़ाएंगे अब देखो आज ही की डेट में नोटिफिकेशन आई है चार कितने लोगों को पता है आज की डेट में चार नोटिफिकेशन आई है आज या कल में कितने लोगों को पता तो है कितने लोगों को पता है हाँ तो कह रहे भाई चैट बॉक्स में बताओ कि तुम्हें पता है चार नोटिफिकेशन आई या अगर कह रहे हैं यस जो कह रहे हैं हाँ मुझे पता है महेंद्र सिंह कह रहे हैं मुझे पता है ठीक है ना महेंद्र सिंह कह रहे हैं मुझे पता है तो भाई मुझे बताओ कौन कौन सी नोटिफिकेशन है ठीक है ना जिन, जिन को पता है वो बताएं कौन कौन सी नोटिफिकेशन है क्या लिखा है उन चार नोटिफिकेशनों में जो जनवरी में आई है, ठीक है ना जो जनवरी में चार नोटिफिकेशन आई है उसमें क्या लिखा है नहीं पता तुम्हारे को तुमने पढ़ी नहीं है चेक नहीं करी है तो ये नोटिफिकेशन जीएसटी में आ गई है पाँच से ज़्यादा हजार से ज़्यादा तो ये नोटिफिकेशन क्लास का पार्ट नहीं होंगी लेकिन जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो क्लास का पार्ट होंगी जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो क्लास का पार्ट होंगी लेकिन ऑल नोटिफिकेशन विल नोट पार्ट अब ये कहेंगे इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है जहां पर कहीं सेक्शन से रेलिवेंस है यहां पे जहां जरूरी है ठीक है ठीक है तो वो नोटिफिकेशन इसका पार्ट होगी सर्कुलर आए हुए ऑर्डर्स आए हुए तो जो इनमें से तुम्हें ये होमवर्क भी बता रहा हूं ये तुम्हारे को खुद करने और जो इम्पोर्टेंस होगी वो हमारे क्लास का पार्ट बनेगी इसमें से जो मैं सौ सवा सौ सेक्शन पढ़ा दूंगा सौ सवा सौ रूल पढ़ा दूंगा वो हमारा है बाकी तुम्हें होमवर्क है इसी तरीके से आईजीएसटी एक्ट है जिसमें पच्चीस सेक्शन है इसमें से लगभग आठ से दस सेक्शन करेंगे करेंगे ज़रूर ठीक है जो जो इम्पोर्टेंस वाले बाकी तुम्हारा पार्ट बनेगा ठीक है ना एक हज़ार से ज़्यादा नोटिफिकेशन है बिल्कुल तर, तरीके से हाँ अब ये देखो रचना जैन ने अभी बनने का परिचय दिया है ठीक है ना कि जी दो नोटिफिकेशन तो तमिलनाडु की जी एस टी आर वन और थ्री बी की डेट को एक्सटेंड करने के लिए आई है ठीक है तो इस तरह की जो नोटिफिकेशन होगी वो क्लास का पार्ट नहीं होगा भाई थ्री बी और वन की डेट एक्सटेंड होगा इसमें क्या पढ़ाना है ठीक है सोनल सोनल जी अपने आप को म्यूट करें नहीं तो दुर्योधन में बन जाओगे तो लास्ट में जब ये बैच खत्म होगा तो मैं तुम्हारे घर पर ठीक है ना अभी मैं ए, मैं तुम्हारे घर पर एक अवार्ड भेजूंगा अर्जुन अवार्ड बना के बढ़िया सा केजे क्लासेस का जो मुझे लास्ट में दिखेगा ये अर्जुन है एक भेजूंगा दुर्योधन वाला एक दुशासन वाला ठीक है ना मिनट तो अगर तुम चाहते हो दुर्योधन वाला अवार्ड तुम्हारे पास जाए तो दुर्योधन बन के रहना नहीं तो अर्जुन वाला चाहिए तो अर्जुन वाला ठीक है अब ये देखो सोनल म्यूट अगर ये म्यूट नहीं करेंगे तो टीम क्या करेगी एक बार बोलेगी दो बार बोलेगी फिर इन्हें रिमूव कर देगी ठीक है ना तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ठीक है ये क्लियर हो गया फिर इसके बाद जी में एक अमेंडमेंट हुई थी अमेंडमेंट एक्ट दो से तो उसके जो जो जहाँ जहाँ अमेंडमेंट हुई है वो हम कवर अप कर लेंगे कोर्स में लेकिन बाद में जो अमेंडमेंट हुई है वो फाइनेंस एक्ट से हुई है 19, 20, 21, 22, 23 तो जितनी भी अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट से हुई है दो और इसमें ऐड कर लो 2024 भी तो जो 2024 में भी अमेंडमेंट होगी वो भी कवर करेंगे कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट जो हमारा है उस पर हम लगभग एक घंटा लगाएंगे ज़्यादा नहीं लगाएंगे जो इस तरह के बिजनेस में रहेगा वो उसे फर्दर पढ़ लेगा बाकी हम एक से डेढ़ घंटा इसमें समय समय पर लगाएंगे कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट में इसके बाद आज के टाइम पर केस लो आ रहे हैं हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो रेलीवेंट केस लो होंगे जो कि हमारे कोर्सेज में जगह जगह पर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कोशिश करेंगे उन केस लो को भी कराने की ठीक है ना सारे नहीं जितने रेलिवेंट होंगे उतने हम आपको कराएंगे कोशिश करेंगे ठीक है ना जी तो ये पूरा फ्रेमवर्क रहेगा पूरे हमारे जीएसटी के कोर्स का अगर किसी को लग रहा है कि भाई जितने पैसे हमने दिए हैं उसमें तो ये कम है ठीक है ना तो वह आज ही मेल डाल देना टीम चेक कर लेगी उसे रिफंड कर देगी जिसे लग रहा है कि नहीं भाई बहुत है ठीक है ना जितने पैसे दिए हैं उस हिसाब से बहुत है तो फिर अगली क्लास को ज्वाइन करना ठीक है ना जी इसके अलावा अगर समय बचा गारंटी नहीं ले रहा अगर समय बचा रहा तो कुछ इंडस्ट्री वाइज टॉपिक करेंगे ठीक है ना जैसे रियल रियल इस्टेट इंडस्ट्री है या जी है या होटल है इस तरह के अगर टॉपिक होंगे तो हम रियल इस्टेट वाइज भी करेंगे ठीक है ना जी ठीक है ना अब यहाँ पर तुम केस का नाम लेने लग जाओगे कि भाई ये केस कराओगे ये केस कराओगे ये केस कराओगे तो भाई ऐसे नहीं पॉसिबल है जहाँ जहाँ रेलिवेंट होगा तुम मुझे केस का नाम बता दो मैं करा दूंगा इसके अलावा जीएसटी के पोर्टल पर जितना भी ऑनलाइन है जीएसटी के पोर्टल पे जितना भी ऑनलाइन है चाहे वन है चाहे थ्री भी है जितना भी ऑनलाइन हम कर सकते हैं विद एवेलेबल रिसोर्स क्या बोला मैंने विद एवेलेबल रिसोर्स अब एक बंदा कह देगा मुझे तो ना नॉन रेजिडेंट की रिटर्न फाइल करके दिखाओ अरे मेरे पास नॉन रेजिडेंट का जीएसटी नंबर ही नहीं है अगर तुम्हारे पास उसका यूजर आईडी पासवर्ड आप मुझे दे दोगे तो हम नॉन रेजिडेंट की रिटर्न भी फाइल करा देंगे समझ में आई तो पोर्टल पर हम वो सारी चीज़ें कराएंगे जिसके हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं या तो हमारे पास हो या आप हमें प्रोवाइड करा देना ठीक है ना तो ये सारा प्रैक्टिकल होगा प्रैक्टिकल कैसे होगा वो समय समय पर अगर कोई कहे जी मुझे जी एस करा दो शुरुआत में नहीं जी एस टी आर नाइन इस बैच में सबसे लास्ट में कराऊंगा ठीक है क्योंकि बाईस तेईस की तुमने भर ली तेईस चौबीस की भरोगे तुम अक्टूबर के बाद तो सबसे लास्ट में जाएगी जी एस टी आर नाइन तो क्या चीज कब करानी है ये मैं डिसाइड करूंगा ठीक है ना विद योर कंसेंट ठीक है तो आपकी क्लासेस का टाइम यही रहेगा मैंने जो बताया चेंज हो सकता है ठीक है एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए वो डिपेंड करेगा आप लोगों से वोट डलवा के ठीक है अब इसके बाद और क्या कहानी है इसके बाद ये और कहानी है कि समय समय पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत एक्टिविटी होती रहती है जैसे हम वेबिनार करते रहते हैं तो कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि इस वेबिनार का लिंक हमें दे दो वो एक अलग प्रोडक्ट है हमारा कोई ये बोलेगा सर जो क्वेरीज होगी हमारी कैसे ग्रुप बना दिया है तुम तो उस ग्रुप पे अपनी क्वेरी डालना तुम्हारा ये जो लोग हैं सब इंटेलिजेंट है सोल्व कर देंगे अगर तुम्हें इनसे मज़ा नहीं आ रहा तीन बार मुझे व्हाट्सअप करना वहीं ग्रुप में कपिल सर बता दो कपिल सर बता दो तीन बार जब तुम मुझे व्हाट्सअप कर दोगे तो मैं बता दूंगा तीन बार से पहले शायद मैं नहीं बताता ठीक है ना मैं सोचता हूँ ये तो ये लोग कर लेंगे लेकिन एक बार दो बार तीन बार बता दोगे तो मैं तुम्हारी वो क्वेरी कर दूंगा मैं मुझे लगेगा भाई बंदे की जेनवन क्वेरियाँ खुद नहीं कर पा रहा और टाइम लिमिट नहीं है मैं दो घंटे में भी कर सकता हूँ चार में भी आठ में भी सोलह में भी चौबीस में भी अड़तालीस में भी ठीक है क्लास ख़त्म होने के बाद तुम क्वेरी पूछ सकते हो मेरे से क्लास शुरू होने से पहले ही मैं ज्वाइन हो जा हो जाया करूँगा क्लास में पाँच दस मिनट पहले वहाँ पर क्वेरी पूछ सकते हो ठीक है जो टॉपिक चल रहा होगा उसकी क्वेरी बताना मेरी जिम्मेदारी है लेकिन तुमने जो टॉपिक आया ही नहीं पढ़ाया ही नहीं उसकी क्वेरी अगर पूछोगे तो ये मेरी डिस्क्रिशनरी पावर है कि मैं वो बताऊँ या ना बताऊँ ठीक है ना आप उसके लिए मुझे कोई फ़ोन नहीं करेगा कि फ़ोन करके क्वेरी बता दो वो एक अलग हमारा प्रोडक्ट है वो अलग चार्ज होगा मतलब कि कोर्स के अंदर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ जो अलग चीज़ें हैं वो अलग हैं ठीक है ना कई कोई कह दे कि हमें मैगजीन भेज दो ठीक है मैगजीन नहीं भेजूंगा तुम्हारे को वो मैगज़ीन अलग प्रोडक्ट है वो लेना पड़ेगा अगर तुम्हें वो पढ़नी है तो ठीक है ना जो मैं शेयर करूँगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको सी ए फाइनल का स्टडी मटेरियल शेयर हो गया है एक्ट और रूल शेयर कर दिए हैं जो 31 जनवरी तक अपडेटेड है ठीक है आप वो कहीं से भी देख सकते हो मैं कोशिश ये करूँगा सी ए फाइनल का मटेरियल और जो बेयर एक्ट और रूल्स है वहाँ से, से पढ़ाऊंगा मैं और अगर मैं कुछ और बनाता हूँ तो वो आपको शेयर कर दूंगा लेकिन वो बुक या मैगज़ीन नहीं होनी चाहिए बुक और मैगज़ीन में आपको शेयर नहीं कर पाऊंगा उसका अलग चार्ज होगा ठीक है नहीं <coughs> ठीक है ना और बाकी सारी चीज़ें लो कैसे पढ़ना है वो सारा का सारा हम यहाँ पर डिस्कसन करेंगे अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो मुझे बताओ कि सर मेरा ये क्वेश्चन है अदरवाइज़ हमें हमने रूल और नियम तुम्हें बता दिए बैच के बीस मिनट लगाकर अब हम अपनी क्लास को फॉर्मली स्टार्ट करें ठीक है सब लोग इसमें ठीक है ना माँ कसम खा लो ऐसे हाथ आगे करके कि मैं माँ कसम खाता हूँ ये जो रूल्स नियम बताएं ये मुझे मंजूर है ठीक है ना समझ में आई ना ठीक है ना और भाई हम इसी के हिसाब से क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता रहेगा अब एक पूछ रहा था कि भाई इसमें अर्जुन तो है कपिल सर क्या है तुम सबको मेरा टारगेट है अर्जुन बनाने का तो भाई तुम मेरे को थोड़ा बहुत गुरु द्रोणाचार्य मान लेना ठीक है ना? समझ में आई मेरी बात या जब युद्ध तुम्हारा होगा उस टाइम पे कृष्ण मान लेना ठीक है ना? तो कृष्ण और गुरु द्रोणाचार्य ने कभी भी अर्जुन के लिए बुरा नहीं सोचा ये बात आप मान के चलना लेकिन अगर अर्जुन कहीं गड़बड़ करेगा अगर अर्जुन कहीं गड़बड़ करेगा तो भाई श्री कृष्ण जी या गुरु द्रोणाचार्य बता देंगे अर्जुन गलत कर रहा है ठीक है ना और ठीक है ना गुरु द्रोणाचार्य और कृष्ण ने कभी दुर्योधन का और दुशासन का भला नहीं सोचा ठीक है ना तो इसलिए कोशिश करना है अर्जुन बनना है दुशासन दुर्योधन नहीं बनना ठीक है ना जी हाँ अब सर हाँ ये संडे संडे ही रखेंगे नाइन्टी नाइन परसेंट एक परसेंट हो सकता है इसके अंदर ये कह रहे सर अपील नोटिस उसके सेक्शंस आएंगे वहाँ पर नोटिस का रिप्लाई करना बताएंगे अपील फाइल करना बताएंगे उसमें मुकीम जी टेंशन मतलब लिटिगेशन में अप टू फर्स्ट अपील या जैसे ट्रिब्यूनल ऑपरेशन हो जाती है तो ट्रिब्यूनल तक का आपको लिटिगेशन बताएंगे कोई कहे कि भाई यहाँ से हाई कोर्ट में अपील कैसे करते हैं सुप्रीम कोर्ट में अपील कैसे करते हैं वो बता दो वो नहीं बता पाएंगे ठीक है जी ठीक है सब लोग एग्री हैं हाँ जो लोग एग्री हैं क्लास को अटेंड करेंगे जो लोग एग्री नहीं है मेल डालेंगे और क्लास से एग्जिट करेंगे ठीक है कि साहब हम एग्री नहीं है इन शर्तों से सब सबने यहाँ पे पहले ही मार्कज़म खा ली है कि हाँ भाई हम एग्री कर रहे हैं ठीक है ना चल तो स्टार्ट किया जाए क्लास बोलो आर यू रेडी आर यू रेडी अरे जोश होना चाहिए जोश ठीक है ना हाँ जोश होना चाहिए बिल्कुल हाँ yes चैट बॉक्स में जो सोना चाहिए अब ये कह रहे हाई कोर्ट अपील के लिए एक्स्ट्रा चार्ज ये अब ये कह रहे कि हाई कोर्ट अपील के लिए एक्स्ट्रा चार्ज हाई कोर्ट अपील मुझे ही नहीं आती अभी मैं तुम्हें क्या बताऊंगा ठीक है ना तुम तो अब ये कह रहे हो द्रोणाचार्य से कि भाई ऐसा करो जो भगवान श्री कृष्ण का चक्र था ये चलाना सिखा दो द्रोणाचार्य कह रहे अर्जुन ये तो मुझे भी नहीं पता ठीक है तो जो चीज़ मुझे पता है मैं आपको वही बताऊंगा ठीक है ना ठीक है ना हाँ जीएसटी शुरू से करोगे सब आ जाएगा चाहे तुम साइंस से हो चाहे आर्ट से हो चाहे कॉमर्स से हो थोड़ी सी दिक्कत होगी आ जाएगी तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा तुम्हारा नॉलेज टेस्ट करने के लिए ठीक है ना फिर उसका आंसर दूंगा तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है कि जीएसटी की फुल फॉर्म बताओ जीएसटी की फुल फॉर्म बताओ गुड्स गुड सर्विस अरे ऐसे नहीं बतानी फिर तुम दुर्योधन बनने हो लेने हो एक तो नाम चेंज नहीं करा इन्होंने एक अनम्यूट कर दिया जीएसटी की फुल फॉर्म बताओ हाँ सब ने चैट बॉक्स में लिखी है जीएसटी की फुल फॉर्म ठीक है जल्दीबाजी नहीं करेंगे देखो जो जो लोगों ने चैट बॉक्स में लिखी है मैं उसे लिख दे रहा हूँ जो जो लोगों ने चैट बॉक्स में लिखी है मैं उसे लिख दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ लोगों ने यह लिखा है कुछ लोगों ने यह लिखा है आंसर सबका अलग अलग हो सकता है इसके अलावा एक लोगों ने यह भी लिखी है देखना तुम यहाँ पर ऐसे ऐसे तुम्हें मिलेंगे दुर्योधन जैसे कि अलग अलग लिख, लिख रहे होंगे अलग अलग लिख रहे होंगे अब इसमें अंतर भी देखते रहना मैं जो भी लिख रहा हूँ सब अलग अलग है या नहीं है सब अलग अलग है ना और वो कह रहे हैं गब्बर सिंह टेक अरे ये वाली मजाक नहीं करेंगे ठीक है ना हाँ अब मान लो यहाँ पर तीन लिखी हुई है एक ने और लिखा गुड एंड सर सब सब देखना भाई साहब सब देखना अभी पता लग जाएगा तुम सात साल से कितने पानी में हो सात साल से कितने पानी में हो और कोई तो नहीं है और कोई तो नहीं है एक ने बोला ये ये सब इन्होंने ही लिखी है ये जो अपने आप को जीएसटी का अर्जुन बनाने आए हैं ए पर ये बी सी डी ई जीएसटी की फुल फॉर्म आती नहीं है इंटरव्यू में जीएसटी की फुल फॉर्म आती नहीं है अर्जुन बनेंगे अब ये है ना अब इसके अंदर से बताओ भाई कौन सी डेफिनेशन सही है ए बी सी डी या इसके अलग कोई हो तो बताओ देख रहे हो भाई साहब देख रहे हो सारे प्रोफेशनल को देख लो तुम ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट्स और अकाउंटेंट हैं जीएसटी में काम कर रहे हैं पिछले पांच सालों से सात सालों से फुल फॉर्म सबकी करेक्ट नहीं आ रही कोई ए कह रहा है कोई बी कह रहा है कोई सी कह रहा है कमाल की बात है तो बताओ क्या तुम्हें पहले जीएसटी की फुल फॉर्म सही से पता होनी चाहिए या नहीं क्या सब लोगों का एक ही आंसर होना चाहिए या नहीं बोलो क्योंकि जब तुम ठीक है ना जब तुम नोटिस का रिप्लाई करोगे जब तुम अपील फाइल करोगे जब तुम जीएसटी में काम करोगे तो वहाँ पर तो रिटर्न में देनी पड़ेगी ना कि क्या है फुल फॉर्म तो जिन लोगों ने ठीक है ना ठीक है ना जीएसटी की जो फुल फॉर्म बताई है गुड्स एंड सर्विस टैक्स ए वो सारे के सारे गलत है जिन लोगों ने बताई है सी वो भी सारे के सारे गलत हैं जिन लोगों ने बताई है डी वो भी गलत है जिन लोगों ने बताई है ई e, वो भी गलत है और इसके अलावा जिसने और कोई बताई है वो भी गलत है राइट आंसर इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स राइट आंसर इज़ बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो जिन लोगों ने अब ये जो बाकी लोगों ने गलती बताई है इसमें गलती का रीज़न क्या है कुछ किताबें ऐसी हैं उन्हें खुद नहीं पता जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है तो किताबों पर ही लिखा रहता है ठीक है ना ए वाली डेफिनेशन सी वाली किताबों पे लिखा रहता है जीएसटी डिपार्टमेंट जो नोटिस भेजता है उस पर भी लिखा रहता है तो वो सारी गलत होती है इस वजह से मार्केट में इतना गलत है तो तुम लोगों से गलती हो गई लेकिन तुम्हें अब गलती नहीं करनी तुम्हारी गलती को सुधारने की जिम्मेदारी ही मेरी है तो जिन लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई जी की फुल फॉर्म सर बी वाली है अब वो मुझे बताएंगे कि तुम अपनी बात का अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए कहाँ से चेक कराओगे कि साहब ये वाली फुल फॉर्म ठीक है कितने लोग एग्री हैं कि हाँ बी वाली ठीक है और जो एग्री हैं बी वाली ठीक है तो वो मुझे बताएंगे कि वो कैसे किस भिहाप पे कह रहे हैं कहाँ लिखा है मैं नहीं मानता कि बी वाली ठीक है तो वो मुझे बताएंगे कि कहाँ लिखा है कि बी वाली ठीक है तो कई लोगों ने बोला सर बी एक्ट को पढ़ लो वहाँ से पता लग जाएगा ठीक है ना प्रतीक मित्रुका जी ने बोला जो ऑफिशियल गैजेट में है वहाँ से पता लग जाएगा बात ख़त्म जीएसटी की साइट पे से पता लग जाओ तो बेटा इस बात को समझना तुम्हारा नाम किसी ने जो नाम रखा गीता पाटिल कब रखा गया था यह नाम जिन जो 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 नाम तुम्हारा है वो नाम कब रखा गया था बोलो कब रखा गया था वो नाम जल्दी बताओ तुम्हारे माँ बाप ने कब रखा था नाम तुम्हारा फटाफट से बताओ सर बर्थ हुआ था तभी रख दिया था बेटा कुछ माँ बाप क्या होते हैं ना कुछ माँ बाप क्या होते हैं थोड़े से कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई इसका नाम क्या रखे लड़का हो गया लड़की हो गई जो भी तो नाम क्या रखे तो वो सोचते ऐसा करते जो बुआ कहेगी ना वो नाम रख देते हैं कोई दूसरा कहता अरे जो ताऊ कहेगा ना वो नाम रख देते हैं जो दादी कहेगी वो नाम रख देते हैं तो कई दिनों तक तो उनका नाम ही डिसाइड नहीं होता और हॉस्पिटल में या घर पे मिलने आते हो तो उसका नाम खुद ही रख देते हैं किसी का नाम रख देते हैं गोलू किसी का नाम रख देते हैं मोलू किसी का नाम टोलू हैं कुछ भी नाम रख देते हैं तो पूरे जीवन उनका वही नाम चल रहा होता है किसी किसी के दो दो नाम रख देते हैं ये बुआ ने रखा ये ताऊ ने रखा ये चाचा ने रखा इसी तरीके से जीएसटी के भी कई नाम हो गए लेकिन जीएसटी के जो मम्मी पापा थे उन्होंने ये गलती नहीं करी उन्होंने क्या बोला कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ हॉस्पिटल के अंदर जैसे ही बच्चा पैदा हुआ बच्चा जैसे ही मिला नाम रख दो भाई इसका कोई नाम ही चेंज ना कर पाए कोई तुम्हारे बच्चे का नाम ही ना बिगाड़ पाए तो समझदार मम्मी पापा ऐसे ही करते हैं कि बच्चे का नाम पहले ही रख देते हैं ठीक है ना कि हाँ भाई साहब पहले से ही सोच के रख लेते हैं लड़का हुआ तो ये रखेंगे लड़की हुई तो ये रखेंगे इसी तरीके से जो जीएसटी के मम्मी पापा हैं उन्होंने भी जीएसटी का जो नाम था वो पहले ही सोच के रखा था और जीएसटी का जो नाम सोचा था तो सब जो सेक्शन वन था कौन सा था जी सेक्शन वन सेक्शन वन सेक्शन वन क्या कहता है जीएसटी का सेक्शन वन ये कहता है जीएसटी का कि शोट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट क्या कहता है कि भाई जीएसटी के मम्मी पापा ने पंडित जी को बुलाया और पूछा कि भाई ये क्या करेगा इसका नाम क्या रखें तो पंडित जी ने बोला कि इसका नाम रखो दिस एक्ट में बी कोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या बोला भाई साहब कि ये किस नाम से जाना जाएगा ये किस नाम से जाना जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहां से जाना जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो इस बेस पर मैं ये कहता हूं कि जीएसटी की फुल की ये है एग्री कर रहे हो मेरे पॉइंट से या नहीं ठीक है ना तो इसका नामकरण सेक्शन वन में लिखा है इसका नामकरण किस में लिखा हुआ है जी सेक्शन वन में ठीक है तो सेक्शन वन के हिसाब से ही इसका नाम लिखना है तुम्हारे को कभी भी इसका नाम गलत नहीं लिखना है और अगर आप यूपी में डील कर रहे हो तो यहाँ पर सेंट्रल वर्ड हटाकर उत्तर प्रदेश कर दोगे दिल्ली में डील कर रहे हो तो दिल्ली लिख दोगे जिस जिस स्टेट में डील कर रहे हो तो उसी स्टेट का नाम लिख दो लेकिन ये वाली जो वर्डिंग है ये हिलनी नहीं चाहिए ना ही तुम्हारे इंटरव्यू में ना ही तुम्हारे नोटिस के रिप्लाई में समझ आ गई सब सेक्शन वन क्लियर हो गया बोलो तो यहाँ पर देखने पर ये पता लगा है कि कन्फ्यूज़न है इसी तरीके से जीएसटी के बहुत सारे प्रोविजंस में कन्फ्यूज़न मिलेगी तुम्हें तो जब भी हम बात करेंगे नाइन्टी नाइन परसेंट प्रोविज़न का सबूत लेकर आएंगे कि भाई इसका सबूत क्या है कहाँ लिखा है ठीक है जब आप सबूत दे दोगे या मैं सबूत दे दूंगा तब मेरी बात को मानना किसमें 99 नाइन परसेंट प्रोविज़न में एक परसेंट प्रोविज़न ऐसे होंगे एक परसेंट प्रोविज़न ऐसे होंगे जहां पर मैं कहूंगा कि बेटा लिखा तो कहीं नहीं है ये लेकिन तू मेरी मान ले ठीक है ना लिखा तो मेरे कहीं नहीं है लेकिन तू मेरी मान ले ठीक है ना यह इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है ठीक है ना तो मैं ये तुझे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ से बता रहा हूँ ठीक है तो एक परसेंट में वो यूज करेंगे नाइन्टी नाइन में ये यूज करेंगे क्लियर हो गई कहानी हाँ सर कहानी लेकिन सर जीएसटी पढ़ाने से पहले ना ये बताओ ये जीएसटी है क्या तो कई लोगों को अभी भी ये लगता है कि जीएसटी है क्या टैक्स है क्या ये कोई टैक्स है हैं? क्या है जीएसटी टैक्स है बोलो जीएसटी क्या है टैक्स है क्या बोलो जीएसटी टैक्स है क्या हाँ कई लोग कह रहे हैं अब ये देखो कई लोग अब इतने डर गए हैं उनसे मैं सही सवाल पूछा ना उसमें भी डाउट लग रहा है वो कह रहे हो भाई जीएसटी टैक्स है क्या पता कुछ और निकल है? इतना सीरियस नहीं होना है ठीक है इतना सीरियस नहीं होना आज जीएसटी टैक्स ही है अब जब भी कभी कोई टैक्स लगाया जाता है जब भी कभी कोई टैक्स लगाया जाता है तो उसमें पहले ये देखा जाता है कि भाई टैक्स लगा रहे हैं ठीक है ना जो टैक्स लगा रहे हैं जिसके ऊपर ये टैक्स लग रहा है उसे दुख ना हो नहीं तो टैक्स लगाने का कोई फायदा नहीं है ठीक है ना जैसे तुम क्या होते हो ठीक है ना तुम मैं कई बार लगाता हूँ टैक्स मैं भी लगा देता हूँ टैक्स ठीक है ना तो जब मैं टैक्स लगाता हूँ कैसे मैं आया घर पर थका हारा बिल्कुल थका हारा आया अब लग रहा है कि बस खाना खाऊंगा सो जाऊंगा वाइफ ने बोल दिया ओ भैया आटा ख़त्म हो गया आटा खत्म हो गया यहाँ पे लेटे मत रहो आटा ले आओ मैंने उनसे क्या बोला भाई देखो आटा तो ले आऊँगा लेकिन टैक्स लगेगा वो कह रही क्या टैक्स लगेगा मैंने कहा एक कप चाय पिलवा दो गर्मा गर्म अगर तुम चाय पिलवा दोगी तो मैं आटा ले आऊँगा तो मैंने उन पर टैक्स लगा दिया कि चाय पिलवा दो इसी तरीके से इसी तरीके से टैक्स लगता है कैसे लगता है टैक्स टैक्स सृष्टि का नियम है सृष्टि का नियम है टैक्स लगाने का गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती यह जो सृष्टि बनी हुई है पूरा ब्रह्मांड ये टैक्स लगा रहा है सबसे पहले जो टैक्स लगाया वो किसने लगाया कोई बता सकता है मुझे सबसे पहले जो टैक्स लगाया वो किसने लगाया कोई बता सकता है हा बोलो किसी को पता है सबसे पहले टैक्स किसने लगाया हाँ ये देखो ये पुराने स्टूडेंट हैं सबसे पहले टैक्स लगाया सूरज ने और सूरज ने टैक्स लगा के क्या बोला कि सूरज जो हमारा सन है जानते हो ना सूरज चाचा हाँ वही सूरज चाचा जब टैक्स लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं सूरज चाचा जब धूप होती है तो धूप वो करते हैं तो वो पानी सोख लेते हैं हर जगह से नदियों से समुंदर से हर जगह से इंसान के शरीर से भी पानी सोख लेते हैं उसे बड़ा दुख होता है मजदूर को अरे भाई कितनी गर्मी पड़ रही है सूरज अरे चाचा मान जाओ इतनी गर्मी मत करो लेकिन वो करता नहीं है वो सुनता नहीं है वो सब पे टैक्स लगा देता है सबसे टैक्स ले लेते हैं गर्मियों में ठीक है उसके बाद वो क्या करते हैं जहां जहां जरूरत होती है वहां वहां वो उस पानी की बरसात कर देते हैं वहां वहां उस पानी की क्या कर देते हैं बरसात और जैसे ही बरसात होती है किसान खुश हो जाता है मजा आ गया भाई साहब आदमी खुश हो जाता है अरे ठंडक बढ़ गई भाई साहब अब एक व्यक्ति कह रहा है अक्षय कुमार ठीक है कि इस सावन में शरारत ऐसी हमारे साथ हुई इस सावन में शरारत हमारी ऐसे सा, हमारी ऐसे साथ हुई पूरा ठीक है ना हमारा घर छोड़ के पूरे शहर में बरसात हुई अब वो शिकायत कर रहा है कि भाई साहब हमारे यहां तो बरसात ही नहीं तो सूरज चाचा ने बोला तुझे जरूरत ही नहीं थी भाई तुझे जरूरत ही नहीं थी तेरे को बरसात करके क्या करना है अंबानी कह रहा मेरे घर बरसात ही नहीं हुई सूरज चाचा कह रहे तुझे क्या करना है तू तो खुद अरेंज कर लेगा बरसात चाहिए किसानों को किसानों के यहाँ बरसात कर दी बरसात चाहिए जहां जरूरत है वहां कर दी तो इन्होंने क्या बोला कि हमेशा भी टैक्स ऐसे ही लगना चाहिए हमेशा क्या बोला बरसत हरसत लोग सब करसत लखें इनको कि हर राजा को इस तरीके से टैक्स लगाना चाहिए जैसे सूरज लगाता है कि जैसे वर्षा होती है सब लोग खुश होते हैं ठीक है लेकिन जब वो कर लगता है तब ठीक है ना दुख नहीं होता ठीक है ना थोड़ा सा दुख होता है कि चल कोई बात नहीं ठीक है ना तो उन्होंने क्या बोला कि प्रजा ये चाहती है कि जो राजा हो वो किसकी तरह हो सूरज की तरह हो उस तरीके से टैक्स लगाया तो तुलसीदास ने इनडायरेक्ट टैक्स के लिए ये बात कही है सूर्य सूर्य का उदाहरण लिया है सूर्य जिस प्रकार पृथ्वी से अनजाने में ही जल खींच लेता है और किसी को पता नहीं चलता उसी जल को बादल के रूप में इकट्ठा करके वर्षा कर देता सब खुश रहते हैं तो इसी तरीके से टैक्स लगना चाहिए ठीक है ना जी अब एक फरवरी को बजट आएगा तो बजट में पूछा जाएगा कि भाई साहब ये बजट कैसा आया तो बजट जो आ रहा है वो भगवान राम के समय से आ रहा है भगवान राम के समय से बजट आ रहा है ठीक है ना? तो जब भगवान राम के समय से बजट आ रहा है तो एक बार भगवान राम ने ठीक है ना बुलाया किसे भरत को उनका छोटा भाई था भरत उनसे कहा हाँ भाई इस बार जो बजट लेकर आयो कैसा लेकर आयो उसने कहा भगवान राम ठीक है ना भैया बजट ऐसा लेके आए उन्होंने संस्कृत में एक वर्ड बोला मणि माणिक महंगे किए मणि माणिक महंगे किए सस्ते तृण जल नाज तुलसी ऐसे जानिए राम गरीब नवाज कि साहब ऐसा बजट लेकर आए हैं जिसमें माणिक महंगे कर दिए माणिक मतलब हीरे जवाहरात हीरे जवाहरात महंगे कर दिए और जो अनाज है वो सारी चीजें सस्ती कर दी और प्रजा कह रही है कि भाई साहब ऐसा ही राजा होना चाहिए कि जो मणि माणिक महंगे कर दे सस्ते तरंजल नाच अब अगर यही लाइन में जाकर अंबानी को सुनाऊंगा वो कहेगा वे भाई क्या बजट है ये बेकार है लेकिन बजट ऐसे ही आना चाहिए क्योंकि बजट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हमेशा आप देखोगे कि उन चीजों को महंगा किया जाता है जो महंगी है और जो चीजें एक आम जनता यूज कर सकती है उन्हें सस्ता किया जाता है तो इनडायरेक्ट टैक्स दो जगह से लिया जाता है एक तो किसकी तरह से सूरज की तरीके से और एक लिया जाता है किससे भगवान नाम का जो बजट था वहां से यह क्यों पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हारे को यह क्यों पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हारे को यह इसलिए पढ़ा रहा हूं जब तुम नोटिस का रिप्लाई करोगे अपील करोगे हेरिंग करोगे तो यह चीज भी तुम्हें पता होनी चाहिए तुम्हें लॉजिक पता होना चाहिए कि यह चीज जीएसटी में ऐसा क्यों है कई लोग तुमसे पड़ोसी पूछ लेंगे आटे पर जीएसटी नहीं है आटे पर जीएसटी नहीं है झूमर पर 28 परसेंट है गाड़ी पर 28 परसेंट है यार ऐसा क्यों हो रहा है तो तुम बताओगे कि भाई ये आज से नहीं हो रहा जब वो मोदी जी को गाली देंगे तुम्हारे सामने तो तुम उनसे बताना कि भाई ये तो पुराने समय की परंपरा है टैक्स लगता ही ऐसे है अब कई लोगों की मेरे पास क्वेरी आई कि सर जीएसटी अर्जुन बैस तो कर लेंगे लेकिन हमने तो सुना एक टैक्स आएगा बी बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स आपने भी इस पर वीडियो बनाई है मैंने तो वीडियो बना दी लेकिन ये आने वाला नहीं है हिंदुस्तान में ये आएगा ही नहीं अगले पांच दस बीस साल तो नहीं आना सर ऐसा क्यों कह रहे हो भाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके अंदर ये वाला जो प्रथा है ये है ही नहीं इसमें कह रहे हैं कि सबको एक तरफ से टैक्स कर दो अबे भाई सबको एक तरफ से टैक्स करने का मतलब ये होता है कि सबकी इनकम एक जैसी हो तो हिंदुस्तान में इनकम का रेशियो ही अलग अलग है तो ये वाला बीटीटी आने के चांसेस एक परसेंट है समझ आ रही है मेरी बात यानी क्यों पहला रीजन क्या बताया मैंने तुम्हारे को क्योंकि ये भगवान राम का जो बजट था उस पर ही खरा नहीं उतरता इसके बाद इसके बाद कुछ और लोगों ने बोला कि टैक्स कैसे लगाओ चाणक्य ने बताया चाणक्य ने बताया कि टैक्स कैसे लगाओ मैं जब ये वाली चीजें जीएसटी ऑफिसर को जाके बोलता हूं ना वो हंसने लग जाते हैं मैंने कहा साहब चाणक्य ने भी तो यही बोला था कि टैक्स ऐसे लगाना जैसे मधुमक्खी लगाती है मधुमक्खी क्या करती है फूलों के ऊपर बैठती है और उसमें से अपना शहद ले लेती है फूलों के ऊपर बैठती है और अपना सैज ले लेती है कभी फूलों से बात करके पूछना क्या उन्हें दर्द होता है जब मधुमक्खी उनसे टैक्स लेती है क्या उन्हें दर्द होता है बोलो बोलो तो टैक्स ऐसे लगाओ जिससे तुम्हें दर्द ना हो ठीक है ना जी टैक्स ऐसे लगना चाहिए तुम्हें दर्द ना हो जब जीएसटी ऑफिसर दर्द लगाता है ना मैंने कहा तुम तो चाणक्य की नीति को फेल कर रहे हो जब वो आई टी डिसअलाउ करते हैं मैं कहता हूं तुमने तो चाणक्य की बात ही नहीं मानी अब उसके बाद फ्रैंकलिन क्या कहते हैं फ्रैंकलिन ये कहते हैं कि भाई टैक्स है क्या वो कहते हैं कि भाई टैक्स वो चीज है जो आप पे करते हो किस चीज के लिए एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रहने के लिए किस में रहने के लिए पे करते हो एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रहने के लिए जो आप पे करते हो वो टैक्स है कई लोग कहते हैं हिंदुस्तान में पोल्यूशन इतना है हिंदुस्तान में करप्शन इतना है हिंदुस्तान में ये है वो है मैं उससे पूछता हूं टैक्स कितना देता है कहता वो क्या होता है अरे भाई टैक्स तुम दे नहीं रहे तो तुम एक ऐसी सोसाइटी के ही लायक हो जिसमें चीज मिल रही है अगर हर व्यक्ति टैक्स देने लगे प्रॉपर देने लगे तो भाई हिंदुस्तान भी ठीक है ना हिंदुस्तान भी तुम्हारा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा तो आप टैक्स क्या है आप टैक्स इस किस लिए दे रहे हो जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो उसका प्रिविलेज लेने के लिए ठीक है अब मोदी साहब क्या कहते मैं ये तुम्हें इसलिए पढ़ा रहा हूं जब मैं नोटिस का रिप्लाई करता हूं ऑफिसर से डिस्कशन करता हूं तो मैं ये चीजें मेंशन करता हूं मैंने कहा मोदी जी ने बात लिखी थी जब जीएसटी आया था जीएसटी विल इंप्रूव द वे टू डूइंग बिजनेस। और तुमने मेरा आईटीसी ब्लॉक कर दिया तुमने तो मोदी जी की बात की तोहीन कर रहे हो प्राइम मिनिस्टर की बात की तोहीन कर रहे हो ठीक है ना हाँ जेटली साहब ने बहुत बढ़िया लिखा हाँ। जेटली साहब ने बहुत बढ़िया लिखा इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है इन्होंने पहले इंडिकेशन दे दिया था कि जो ये जी एक्ट आए हैं दिस इज नॉट अ एंड <laughs> ठीक है ना बट स्टार्ट ऑफ द जर्नी कि ये तो अभी शुरुआत है शॉर्ट में बोले तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है अभी तो अमेंडमेंट आएंगी अभी तो नोटिफिकेशन आएंगे अभी तो सर्कुलर आएंगे तो जेटली साहब ने बिल्कुल ठीक लिखा ठीक है तो ये महान लोगों ने इसके बारे में यह चीजें लिखी और एल्बर्ट आइंस्टीन क्या कहते एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि इस दुनिया में सबसे कठिन चीज है इनकम टैक्स समझना इसी तरीके से जज साहब ने बोला था जीएसटी के बारे में कि जीएसटी समझना ऐसा जैसे चांद पे जाना लेकिन तुम मेरे साथ चलोगे तो इस जर्नी को मैं तुम्हारी मजेदार बना दूंगा तो आप ठीक है ना आप बहुत लक्की पर्सन हो जो आप इस बैच में आए यहाँ पर अपना समय निकाला कुछ सीखने के लिए नए साल में तुमने प्रण लिया लेकिन जो अटेंडेंस मैं आज देख रहा हूँ 85 आउट ऑफ 120 देखो पैसे दिए 120 ट्वेंटी ने उसमें से ज्वाइन कर रहे हैं 85 85 में से वीडियो होने पंद्रह की तो पहले ही फिल्टर लग गया है क्योंकि अर्जुन तो एक ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा दो हो जाएंगे चार हो जाएंगे समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? तो ये अटेंडेंस पूरी रखना अपनी अगर आप वाक्य में चीज़ों को सीखना चाहते हैं ठीक है थीके? तो जब हमने ये जीएसटी के बारे में सुना तो आपको मैंने बताया टैक्स कैसे लगता है टैक्स होता क्या है ये चीज़ आपको पता है तो इस पर हम समय नहीं लगाएंगे बस ये समझ लो कि जो टैक्स है जो टैक्स है ठीक है ना हमें गवर्नमेंट को देना है ठीक है ना उसके बदले में गवर्नमेंट हमारे को पब्लिक सर्विस देगी जैसे हॉस्पिटल है स्कूल्स है डिफेंस है ये सारी सर्विसेज देगी और ये कोई ठीक है ना ऐसा नहीं है कि आप इसे बोलो कि भाई डोनेशन है वॉलेंट्री पेमेंट है नहीं ये बर्डन है ये आपको देना ही पड़ेगा तो दो तरीके का टैक्स हमारे इंडिया में देखने को मिलता है डायरेक्ट टैक्स जो कि तुम्हें इनकम टैक्स के रूप में है और इनडायरेक्ट टैक्स जो कि जीएसटी के रूप में डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है डायरेक्ट इंजेक्शन लगा देना किसी ने लगवाया है टाइफाइड का इंजेक्शन डायरेक्ट <coughs> तो जब किसी व्यक्ति को डायरेक्ट इंजेक्शन लगता है तो उसे बड़ा दर्द होता है तो टाइफाइड के जो इंजेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट नहीं लगाते वो कहते हैं कि ऐसा करते हैं इसे ना एडमिट कर लेते हैं और यहाँ पर ग्लूकोज की बोतल टांग देंगे और गुलकोज की बोतल को इंजेक्शन लगा देंगे गुलकोज की बोतल को इंजेक्शन लगा देंगे और वो गुलकोज की बोतल से इंजेक्शन चला जाएगा इंसान के अंदर तो असलियत में इंजेक्शन लगा किसे असलियत में इंजेक्शन लगा किसे बोलो असलियत में इंजेक्शन लगा किसे असलियत में तो लगा पेशेंट को ही लेकिन वो जो पेशेंट को इंजेक्शन लगा वो इनडायरेक्ट टैक्स लगा इनडायरेक्ट तरीके से लगा तो इसी तरीके से जितने भी जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं वो सब वो ग्लूकोस की बोतल हैं वो सब ग्लूकोस की बोतल हैं और गवर्नमेंट को इंजेक्शन लगाना है किसे जनता को लेकिन वो किसके माध्यम से लगाती है उस ग्लूकोस की बोतल से इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये हर व्यक्ति पर एक तरीके से लगता है चाहे अंबानी हो चाहे रिक्शा वाला हो इनडायरेक्ट टैक्स सब पे एक रेट का होगा अगर कपिल जैन से कोई सर्विस ले रहा है चाहे वो अंबानी ले ठीक है ना या कोई और ले सबका रेट एक ही होगा जबकि डायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं है वो लगता है सामने वाले की औकात देख जिसकी औकात ज़्यादा है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है जिसकी औकात कम है उससे कम टैक्स लिया जाता है तो ये है हमारा टैक्स के बारे में कुछ चर्चा ठीक है अब जब ये टैक्स के बारे में जो हम चर्चा करेंगे ठीक है ना जब हम जीएसटी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे तो कई लोगों को लगता है कि ये जीएसटी एक दिन में आ गया नहीं इसकी जो जर्नी थी वो 2000 में शुरू हुई थी इसकी जो जर्नी थी वो दो सन दो में शुरू हुई थी और आया था ये एक जुलाई दो में तो एक जुलाई 2017 में जो जीएसटी आया था क्या ये पूरे हिंदुस्तान में आ गया था एक जुलाई 2017 में जो ये जीएसटी आया था क्या ये पूरे हिंदुस्तान में आ गया था जम्मू एंड कश्मीर नहीं होना। अपने आप को म्यूट करके बताएंगे नहीं सर जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था यूएसए प्रेसिडेंट दुबई में टैक्स नहीं लगता सर लगता है दूसरे तरीके से लगता है 70.9 पॉइंट नाइन ठीक है ना सर नहीं जे एंड के को छोड़कर आया था जे एंड में आठ जुलाई से आया था जे एंड में आठ जुलाई से आया था चलो तुमने इंटरव्यू में आंसर दे दिया कि भाई साहब ठीक है ना कि भाई म्यूट कर लो अपने आप को कि ये जो टैक्स है पूरे इंडिया में पूरे इंडिया में एक जुलाई से आया था लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में आठ जुलाई से आया था तुमने ये आंसर दे दिया अब उसने अगला क्वेश्चन पूछा ऐसा क्यों उसने अगला क्वेश्चन पूछा ऐसा क्यों पूरे इंडिया में एक जुलाई से आया था और आठ जुलाई से पूरे जम्मू एंड कश्मीर में भी आ गया था ऐसा क्यों चैट बॉक्स में बताए तो भाई आप यह समझ लो जीएसटी पूरे आज की डेट में पूरे इंडिया में है अंडमान में जीएसटी है क्या अंडमान निकोबार में जीएसटी है नहीं। म्यूट नहीं। कर ले भाई मोहम्मद साकिब जी म्यूट कर लो अंडमान निकोबार में है लक्षद्वीप में है क्या जी एस टी सुन रहा है तो भाई लक्षद्वीप में भी है अंडमान में भी है दादर नागर हवेली में भी है जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख हर जगह आज की डेट में जीएसटी है ठीक है ना लेकिन एक जुलाई में पूरे देश में जीएसटी था लेकिन यहाँ पर जीएसटी नहीं था यहाँ पर जीएसटी नहीं था अब ये कह रहे हैं सर ऐसा क्यों हुआ ठीक है ऐसा क्यों हुआ ठीक है ना भाई ऐसा क्यों हुआ ड्यू टू आर्टिकल 370 बिल्कुल सही आर्टिकल 370 की वजह से ऐसा हुआ था आर्टिकल 370 क्या कहता है इसके पीछे एक स्टोरी है इसके पीछे एक स्टोरी है किसी ने अगर मूवी देखी हो सैम बहादुर ठीक है ना इसके पीछे एक मूवी है जिसका ना आ, मतलब कि उस सैम बहादुर में भी थोड़ा सा बताया गया है जब जब उन्नीस में इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो अंग्रेज़ों ने बोला कि भाई जिस जिस को जहाँ जहाँ में मैच होना है वो वहाँ वहाँ चले जाओ तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे राजा हरि सिंह राजा हरि सिंह इनका खून बहुत गर्म था इन्होंने बोला भाई साहब ठीक है ना इनका खून बहुत गर्म था इन्होंने बोला भाई मैं नहीं जा रहा किसी में मुझे सोचने का मौका दो मैं नहीं जा रहा किसी में हो सकता है मैं अपना अलग देश बना लूँ ठीक है तो अंग्रेज़ तो चले गए छोड़ गए तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ये पाकिस्तान था ये जो पाकिस्तान था इसने क्या करा इस पर अटैक कर दिया कि भाई तू अलग देश बना रहा है तू रुक जा तुझे हम अपने में ही मिलाएंगे अब राजा हरी सिंह कह रहा है मैं अपनी बंदूक लेके जा रहा हूँ पाकिस्तानियों से लड़ूंगा वहाँ पर जो मेजर सैम बहादुर था तो उसने कहा भाई साहब तुम अपनी राजनीति संभालो ठीक है ना ये लड़ने वड़ने का तुम्हारे बस की कितनी गोलियाँ मार लोगे चार छः पाकिस्तानी फौज को थोड़ी मार लोगे तो ये राजा हरि सिंह इन पंडित नेहरू से कहने लगा मेरी मदद कर दो भाई साहब उसने कहा मदद काहे की कर दू तू हमारा कौन है ठीक है ना तू तो अपना देश बनाने की कह रहा है कह रहे नहीं 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 मैं अपने आप को हिंदुस्तान में मिला लूँगा कह रहे लिख के दे कह रहे लिख के, के दे कह रहा भाई देखो कम तुम भी नहीं हो पाकिस्तानी भी कम नहीं हो तुम भी कम नहीं हो चलो लेकिन मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ तो जैसे ही इसने लिख के दिया साइन करा पेपर पे कि भाई हम अपने आप को हिंदुस्तान में मिला लेंगे तो हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान का मुकाबला करा और उस पेपर में जो लिखा हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि हिंदुस्तान का सारा कानून हम पर एप्लीकेबल होगा अगर हम चाहेंगे तो अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा तो जब इनकम टैक्स आया तो इन्होंने कहा ठीक है लगा दो हम पे देंगे तो हम फिर भी नहीं लेकिन जब सर्विस टैक्स आया इन्होंने कहा हम नहीं देते इन्होंने कहा हम नहीं देते क्यों आर्टिकल 370 लिखा है ठीक है ना तो उसके बाद ठीक है ना जब जीएसटी आया तो मोदी जी ने पूरे इंडिया में लगाया महबूबा मुफ्ती करी मैं नहीं दे रही मैं नहीं माननी ठीक है अब मोदी जी ने कहा भाई क्यों नहीं माननी करी रही बस मान नहीं रही मैं ठीक है ना अब मोदी जी को गुस्सा आया मोदी जी गए जम्मू कश्मीर मनाने उन्हें वहाँ पर गाना गाया कि महबूबा ओ महबूबा ठीक है तू मान जा अब ऐसा हो सकता है मोदी जी मनाए और महबूबा ना माने महबूबा मान गई लेकिन महबूबा को मानने में कितने दिन लगे तुम बताओ कितने दिन में तुम अपनी बीवी को मना लोगे किसी भी लेडीज़ को कितने दिनों में मना लोगे तो उन्हें मनाने में लग गए कितने दिन आठ दिन एक हफ्ता लग गया भाई साहब महबूबा तब मानी और तब ये पूरा एक्ट ठीक है ना पूरा एक्ट पूरे इंडिया में लगा इंक्लूडिंग जीएनके तो तुम्हें पूरी एक स्टोरी मैंने बता दी पाँच मिनट में कि कैसे कैसे तो पूरे हिंदुस्तान में जीएसटी एस आठ जुलाई से आया वैसे एक जुलाई से आया ठीक है जी ये वाली कहानी क्लियर हो गई हाँ सर ये वाली कहानी क्लियर हो गई तो जब तुम जब तुम सेक्शन एक पढ़ोगे तो सेक्शन एक में अगली लाइन क्या है अगली लाइन क्या है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया आज की डेट में लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने पुराना एक्ट उठा के देख लिया तो पुराने एक्ट में उसे मिलेगा इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर ठीक है तो आपको जहां जहां अमेंडमेंट आई है वो भी पता होनी चाहिए जहां जहां अमेंडमेंट आई है वो भी पता होनी चाहिए क्लियर हो गई ये वाली बात हाँ सर ये वाली बात हमारे को क्लियर हो गई अब मुद्दा ये आता है कि सर जीएसटी के अंदर अभी आपने हमें बताया था एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ना है एक इसके अलावा लगभग एक सेक्शन पढ़ने तो सर वो एक सेक्शंस सेक्शन क्या कहते हैं तो भाई पहले हम क्या करेंगे पूरे एक सेक्शंस का ओवरव्यू लेंगे पूरे एक सेक्शंस का ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि किस किस सेक्शनों पे कितना समय लगेगा ठीक है तो यहाँ पर एक सेक्शन है जो तुम्हारे सामने इसके सामने उसके रूल लिखे हुए हैं उसके सामने उसके फॉर्म लिखे हुए हैं मैंने कोशिश करी है कि रूल्स तक अपडेट करा दूँ फॉर्म्स अपडेट हो या ना हो तो अगर इसमें कुछ गलती होगी तो इसे इग्नोर करना ठीक है ना अब आपको बस ये समझना है कि सारे सेक्शंस कहते क्या हैं तो हम अगले एक घंटे में हम अगले एक घंटे में पूरा जी का ओवरव्यू कर लेंगे कि पूरा जी कहता क्या है ठीक है ना क्योंकि इन एक सेक्शन से अलग कुछ नहीं होगा तो पहला जो सेक्शन है जिसे हम बोलेंगे प्रीलिमिनरी ठीक है चैप्टर वन चैप्टर में भी डिवाइड है सेक्शनों में भी तो जो पहला चैप्टर है उसमें हमारे दो सेक्शन आएंगे पहला सेक्शन हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है जिसमें लिखा हुआ है सो टाइटल एंड कमिशमेंट कि ये कहा किसका नाम क्या था ये कहाँ कहाँ तक फैला है ये बात इसमें लिखी है ठीक है ना थोड़ा सा रहता है वो देख लेंगे सेक्शन टू हमारा रहेगा डेफिनेशन का जब भी मैं तुम्हें बोलूँगा जब भी मैं तुम्हें बोलूँगा जब भी मैं तुम्हें बोलूँगा कि भाई डेफिनेशन इसकी चेक करो चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ ठीक है ना मैंने बोला फैमिली का मीनिंग बताओ क्या होता है फटाफट से बताओ फैमिली का मीनिंग क्या होता है जल्दी बोलो फैमिली का मीनिंग क्या होता है हिंदी भाषा में बताओ कि फैमिली का मीनिंग क्या होता है चैट बॉक्स में लिखकर जब मैं तुमसे पूछूं फैमिली का मीनिंग बताओ क्या होता है ये कह रहे परिवार वाले एक परिवार ऐसे नहीं है बताओ भाई बहन माता पिता बोलो क्या होता है फैमिली का मीनिंग जल्दी बोलो फटाफट से जल्दी जल्दी बोलो फटाफट से इन्होंने बोला ग्रुप ऑफ पर्सन है ऐसे नहीं ये बताओ ना भाई बहन माता पिता ये बोलो हाँ क्या फैमिली के अंदर भाई आता है या नहीं आता क्या फैमिली के अंदर भाई आता या नहीं आता हाँ महेंद्र सिंह कह रहे नो ठीक है ना बाकी लोग कह रहे आता है, हस्बैंड, वाइफ चाइल्ड ये कह रहे ब्लड रिलेशन आता है तो जब मैं तुम्हें ठीक है ना जब मैं तुम्हें कोई भी चीज़ बताऊंगा तो कभी भी अपना कॉमन सेंस यूज मत करना आप यूज करना कि लॉ में क्या लिखा हुआ है ठीक है ना तो जब आप यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि फैमिली में भाई आता है लेकिन जब जी में फैमिली की डेफिनेशन पढ़ोगे तो सेक्शन टू क्लोज फोर्टी नाइन सेक्शन टू क्लोज फोर्टी नाइन सेक्शन टू क्लोज फोर्टी नाइन फैमिली की डेफिनेशन बताती है और ज़रा ये बताओ कि क्या फैमिली में ब्रदर आता है क्या फैमिली में ब्रदर आता है आंसर इज नो आंसर इज नो ब्रदर तभी आता है जब वो आप पर डिपेंडेंट हो ब्रदर तभी आता है जब वो आप पर डिपेंडेंट हो तो तुम क्या करोगे एग्जाम में क्वेश्चन गलत करियाओगे या आप क्या करोगे कहीं इंटरव्यू में गलत कर आओगे या जहाँ पर जी एस टी के प्रोविजन लगाने हैं वहाँ गलत कर दोगे क्योंकि तुमने फैमिली की वो डेफिनेशन समझी जो तुम्हें पता थी समझनी वो डेफिनेशन है समझनी वो डेफिनेशन है कौन सी जो लो में है तो जब भी मैं बोलूँगा जब भी मैं बोलूँगा कि भाई ये डेफिनेशन चेक कर लो तो आपको सेक्शन टू से ही चेक करनी है और ये सेक्शन टू की क्लोज है ये क्या है क्लोज जब मैं कोई और सेक्शन पढ़ाऊँगा तो मैं बोलूँगा सेक्शन सोलह सब सेक्शन फोर लेकिन जब मैं सेक्शन टू पढ़ाऊँगा तो मैं बोलूँगा सेक्शन टू क्लोज फोर्टी टू फिफ्टी टू ऐसा क्यों चैट बॉक्स में बताओ ऐसा क्यों चैट बॉक्स में बताओ ऐसा क्यों चैट बॉक्स में बताओ कि सेक्शन टू बोलूँगा तो क्लोज बोलूँगा और कोई सेक्शन बोलूँगा तो और कोई सेक्शन बोलूँगा तो बोलो क्या बोलूँगा सब सेक्शन सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है इससे तुम्हारी नॉलेज के बारे में पता चलता है अगर आप सेक्शन टू सेक्शन बावन बोलते हो जीएसटी ऑफिसर के सामने तो वो समझ जाएगा कि इसकी नॉलेज कम है अगर आप बोलते हो सेक्शन टू क्लोज फिफ्टी टू वो समझ जाएगा कि नॉलेज ठीक है क्योंकि हर चीज़ को बोलने का एक तरीका है अगर आपने उस तरीके को यूज़ नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी अगर आपने उस तरीके को यूज़ नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी तो जो डेफिनेशन होती है वो हमेशा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं जैसे जो टू क्लोज 52 में लिखा हुआ है उसका टू क्लोज 53 से कोई लिंक नहीं है तो इसलिए इन्हें हमेशा क्लोज बोला जाता है लेकिन जो सेक्शन होते हैं सेक्शन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वो हो सकता है एक दूसरे से लिंक है तो इसलिए वहाँ पर उन्हें सेक्शन बोला जाता है ठीक है ना वहाँ पर उन्हें सेक्शन बोला जाता है ठीक है तो क्लोज अलग होती है सबसेक्शन अलग होता है ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ ये बातें भाई इसलिए बता रहा हूँ ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप जी एस टी ऑफिसर्स के सामने जाएं तो तुम ठीक है ना जैसे दुर्योधन करता था ना दुर्योधन क्या करता था कई बार मूर्खों वाली बातें करता था तो वैसी मूर्खों वाली बातें नहीं करनी है। ठीक है अर्जुन की तरह करनी है ठीक है ना जैसे समझ में आई मेरी बात चलो तो पहली क्लियर हो गए दोनों सेक्शन क्लियर हो गए बोलो कि अब ये सर दूसरा सेक्शन पढ़ाओगे नहीं क्या भाई इसे पढ़ाएंगे कब इसके अंदर जितनी डेफिनेशन है उसमें से 50 परसेंट डेफिनेशन हम चैप्टरों के अंदर तुम्हें करा देंगे कि भाई चलो इसका मीनिंग देखते हैं इसका मीनिंग देखते हैं इसका मीनिंग देखते हैं तो जब भी मीनिंग देखेंगे तो सेक्शन टू में बता देंगे ठीक है इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है जिसे हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर है इसमें चार सेक्शन है थ्री फोर फाइव सिक्स ये वैसे तो तुम्हारे काम का नहीं है लेकिन कई सिचुएशन में ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा कई सिचुएशन में ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा कि भाई जीएसटी के अंदर तुम्हारे को दो अथॉरिटी हैं एक सेंट्रल वाली और एक स्टेट वाली एक सेंट्रल और एक स्टेट मतलब एक हो गए पापा एक हो गई मम्मी अब बच्चा है एक ही तो बच्चा एक ही है या बच्चे दो हैं तो इन्होंने अपने बच्चे बांट रखे हैं कि भाई कौन किसे थप्पड़ मारेगा ठीक है ना पापा किसे मारेंगे और मम्मी किसे मारेगी तो लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसा भी हो जाता है कि पापा भी थप्पड़ मार रहे हैं मम्मी भी तो मतलब कौन सा ऑफिसर किस चीज़ को देखेगा कैसे कैसे ऑफिसर अपॉइंट होंगे उसकी बात इसमें लिखी है तो इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा वो सेक्शन सिक्स होगा इसमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होगा वो सेक्शन सिक्स होगा ठीक है ना कि जहाँ पर ये लिखा है कि भाई साहब आप एक व्यक्ति को दो लोग थप्पड़ ना मारें एक ही व्यक्ति मारे तो कई बार आप जब आप नोटिस या अपील वगैरह देखेंगे तो वहाँ पर तुम्हारे को दो ऑफिसर कभी सेंट्रल वाला नोटिस भेज रहा है कभी स्टेट वाला हो रहा है तो वहाँ पर आपको क्या करना है तो हम इस सेक्शन के माध्यम से पढ़ेंगे अदरवाइज इसमें हमारा चैप्टर टू में कोई ज़्यादा रोल नहीं है ठीक है फिर भी एक बार रीड रीढ़ोलने के लिए हम इसे कर लेंगे इसके बाद हमारे ये तीन सेक्शन आएंगे जो अपने आप में महारत हासिल करते हैं ठीक है ना इसमें ये बताया जाएगा कि भाई जीएसटी जो लगता है वो सप्लाई पर लगता है किस पे लगता है सप्लाई पर तो ये सप्लाई क्या है तो अगर ये सप्लाई का मीनिंग छोटा सा होता तो वो डेफिनेशन में ही डाल देते लेकिन उन्होंने पूरा सेक्शन बताया है इसके लिए कि सेक्शन सेवन ये बताएगा कि सप्लाई क्या है तो हमारे को पूरा एक घंटा लगा के डेढ़ घंटा लगा के दो घंटे लगा के इस सेक्शन को पढ़ना है कि भाई ये सप्लाई है क्या ठीक है इसके बाद एक सेक्शन आता है हमारा कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का ठीक है ना अब ये क्या होता है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई कंपोजिट और मिक्स सप्लाई ऐसे समझो कि आप दोनों चीज़ें दे रहे हो ठीक है ना आप ए भी लगा रहे हो उसके साथ सर्विस भी दे रहे हो ठीक है ना आप क्या कर रहे हो टीचिंग भी कर रहे हो टीचिंग के साथ किताबें भी दे रहे हो तो उसमें कंपोजिट सप्लाई क्या होती है मिक्स सप्लाई क्या होती है उसका डिस्कशन सेक्शन एट में होगा जो सेक्शन नाइन होगा वो होगा हमारा चार्जिंग सेक्शन पूरा एक घंटा लगाकर इस पर पढ़ेंगे कि ये चार्जिंग सेक्शन क्या है ठीक है नेक्स्ट क्लास में हो सकता है हम इससे शुरुआत कर लें कि चार्जिंग सेक्शन क्या है ठीक है ना एडमिनिस्ट्रेशन मींस इन्होंने बोला कि भाई जीएसटी में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा कौन से ऑफिसर्स किस वाले एस को देखेंगे उसके पर्पज के लिए इन्होंने इस चैप्टर का नाम एडमिनिस्ट्रेशन रखा था तो तीसरा चैप्टर क्लियर है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ठीक है ना तो इसके अंदर तुम्हारे को सुकून ये है इसके अंदर कोई रूल नहीं है लेकिन इसके अंदर तीन शेड्यूल हैं क्या है तीन शेड्यूल है शेड्यूल वन टू थ्री वो पढ़ने पड़ेंगे रूल नहीं है शेड्यूल है तो वो तीन शेड्यूल आपको इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे इसके बाद एक अलग ही लेवल का रायता है जिसका नाम है कंपोजिशन स्कीम ठीक है हम इसे कंपोजिशन लेवी भी बोल देते हैं कंपोजिशन स्कीम भी अब ये जो कंपोजिशन लेवी या स्कीम है ये लॉलीपॉप की तरह ठीक है ना ये लॉलीपॉप की तरह है कि भाई कुछ ऐसे को मिलेगी कुछ को नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी किसे नहीं मिलेगी क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है वो हम सेक्शन टेन में पढ़ेंगे ठीक है ना इसे पढ़ाने के लिए लगभग तीन घंटे हमारे लगेंगे ढाई से तीन घंटे लगेंगे क्योंकि इसमें कई सारे सेक्शन हैं सेक्शन वन टू ए और इसके अंदर कई सारे रूल हैं ठीक है थीके? इसकी जो रिटर्न का पार्ट होगा वो रिटर्न में देख लेंगे ठीक है इसकी रिटर्न को भी डिस्कस करेंगे ठीक है जिस जैसे इसकी एक रिटर्न होती है सी एम पी जीरो एट जिसमें टैक्स पेमेंट होता है जी एस टी आर फोर होती है तो पूरा कंपोजिशन को पढ़ने में तीन घंटे में लग जाएंगे एक क्लास लग जाएगी ठीक है ये एक स्कीम की तरह है ठीक है अगला अगला हम पढ़ेंगे एक सेक्शन 11 ठीक है ना अभी जो सेक्शन 11 है मैंने तुम्हें क्या बोला जब हम जी की शुरुआत कर रहे थे तो उन्होंने बोला कुछ चीज़ों पर टैक्स लगाओ ही मत तो इन्होंने क्या करा कुछ चीज़ों को एग्जेप्ट कर दिया कुछ चीज़ों को क्या कर दिया एग्जैम्प्ट कि भाई हम इस पर टैक्स ही नहीं लगाएंगे तो ये वाली पावर इन्हें कहाँ से मिली सेक्शन 11 से सेक्शन 11 में लिखा हुआ है कि देश के हित में कुछ भी होगा तो हम उसे एग्जम्प्ट करते हैं अब बताओ इन्होंने किन चीज़ों को एग्जम्प्ट करा होगा बोलो किन चीज़ों को इन्होंने एग्जम्प्ट करा होगा एक दो एग्जाम्पल बताओ एक दो एग्जाम्पल बताओ ठीक है ना इन्होंने कहा मेडिकल सर्विसेज को आटे को हाँ इस तरीके से इन्होंने ना कई चीज़ों को एग्जम्प्ट कर दिया ठीक है ना इन्होंने कई चीज़ों को एग्जम्प्ट कर दिया मोदी जी से बोला गया ठीक है ना रक्षाबंधन पे बोला कुछ बहनों ने कि भैया सुहाग की निशानी होती है चूड़ियाँ बेंगल्स हिंदुस्तानी सुहाग की निशानी होती है बेंगल्स आप इसे एग्जैम्प्ट कर दो मोदी जी ने कहा कर दिया एग्जैम्ट तो ऐसी ऐसी चीज़ों को जैसे नेशनल फ्लैग इन्होंने कहा एग्जेप्ट कर दो इन्होंने कहा चलो ठीक है कर दिया तो क्या हमारे को क्या हमारे को अब देखो गीता पाटिल ने बोला पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं इसे एग्जेम्ट नहीं करा इसकी अलग कहानी है वो आगे बताएंगे एल्कोलिक लीकर की अलग कहानी है वो आगे बताएंगे लेकिन सेक्शन इलेवन में क्या लिखा हुआ है एग्जेप्ट कर सकते हैं किसी चीज़ को तो कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में ना तो कभी वो आपसे पूछेगा कि भाई कौन कौन से गुड्स है ना ही किसी को पता हो सकता कि कौन कौन से गुड्स है क्योंकि गुड्स का एग्जेंशन जो है याद करना बड़ी दिक्कत है लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हमें एग्जेप्ट गुड्स चेक करने हैं तो सेक्शन 11 में नोटिफिकेशन आई होगी वहाँ से चेक करना है ठीक है अब लेकिन जो सर्विस है क्या हमारे को यह पता होना चाहिए यह सर्विस एग्जेप्ट है या टैक्सेबल है बोलो चलो गुड्स का हम नहीं पता कर सकते क्या सर्विस का पता होना चाहिए या नहीं आंसर इज यस तो हो सकता है कि 50 से ज़्यादा सर्विस एग्जैम्ट हो हो सकता है 100 से ज़्यादा सर्विस एग्जाम्ट हो तो जितनी सर्विस एग्जेप होंगी हम कोशिश करेंगे मेन मेन सर्विस के बारे में तुम्हें बता दें एक एग्जेम्शन के चैप्टर में कि भाई ये वाली सर्विस एग्जैम्ट है तो उस सर्विस में सर तुम्हें क्या बताना है ये तो हमें भी पता है नहीं नहीं ये तुम्हें नहीं पता है मुझे बताना पड़ेगा अगर मैं बोल दूँ कि मेडिकल सर्विस एग्जेम्ट है तो तुम क्या करोगे तुम कहोगे भाई साहब मैंने तो अपनी नाक मेरी टेढ़ी थी मैंने सोचा कि नाक टेढ़ी है शादी नहीं हो रही नाक सीधी करा लेता तो। हूँ ठीक है ना नाक सीधी करा लेता तो। हूँ ठीक है ना तब शादी हो जाएगी अब उसने नाक सीधी करा ली दो लाख रुपए देके, अब वो सोच रहा है ये तो एग्जेम्ट है नहीं वो टैक्सेबल है तो कौन सी सर्विस है कौन सी टैक्सेबल है ये हम आपको बताएंगे ठीक है ना समझ आई मेरी बात तो ये सेक्शन इलेवन में लिखा है तो तीन घंटे का चैप्टर लगा के हम इसे करेंगे हो सकता है दो क्लासें भी लग जाए क्योंकि हम सर्विसेज को डिस्कस करेंगे कौन सी टैक्सेबल है कौन सी एक्सेप्ट है इसके बाद अगला चैप्टर आएगा टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई अगला चैप्टर आएगा टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर दो सेक्शन 12, 13, 14, ठीक है ना बारह तेरह चौदह जो ये सेक्शन होंगे ये सेक्शन हमारे को ये बताएंगे कि भाई टाइम टैक्स देने का कब आ रहा है टाइम टैक्स देने का कब आ रहा है कई लोग क्या करेंगे उन्हें जीएसटी नोटिस आता है किस वजह से जीएसटी नोटिस आता है क्योंकि उनका टाइम ऑफ सप्लाई था मार्च में उन्होंने टैक्स दिया अगस्त में तो अगर टाइम ऑफ सप्लाई मार्च में था तो तुम्हें टैक्स मार्च में देना था अगस्त में दोगे तो इंटरेस्ट लगेगा तो किस चीज़ का टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा तो ये हम तीन सेक्शनों से पढ़ेंगे बारह तेरह चौदह तो ये हमारे को टाइम ऑफ सप्लाई की बात करेंगे तो हमारी लगभग एक क्लास इसमें लगेगी इसके बाद अगला चैप्टर आएगा वैल्यूएशन कि भाई जीएसटी किस अमाउंट पे लगे भाई मेरी मोबाइल फ़ोन की दुकान है बीस हज़ार रुपये का मोबाइल ख़रीद के लाया किसी को बेच दिया पच्चीस हज़ार को गर्लफ्रेंड को बेच दिया अठारह हज़ार का बीवी को बेच दिया फ्री में दोस्त को बेच दिया तीस हज़ार का सलमान खान को बेच दिया पचास हज़ार का तो जीएसटी किस अमाउंट पे लगे तो जीएसटी एस किस अमाउंट पर लगे ये वाली बात हमारे को सेक्शन पंद्रह बताएगा और पंद्रह के अंदर कई सारे रूल हैं कि अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स बेच रहे हो तब जीएसटी कैसे लगेगा अगर तुम्हारे को किसी ने टैक्स दिया है तो उस टैक्स पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा ठीक है ना ये सारी कहानी बैटिंग एंड गैम्बलिंग पे कैसे लगेगा ठीक है ना अगर आप रिलेटेड पर्सन हो कैसे लगेगा ये रूल में तो कम से कम दो क्लासें वैल्यूएशन पे लगेंगी कम से कम दो क्लासें वैल्यूएशन पे लगेंगी आप ये नोट करते रहे ना ठीक है कि किस पर कितनी क्लास है कितने घंटे लगने वाले ठीक है जी क्लियर हो गया हां सर ये वाली क्लियर हो गई फिर आगे चलोगे आगे चलोगे तो अगला चैप्टर आएगा आईटीसी का कि भाई आईटीसी कैसे मिलता है क्या कंडीशंस होती है आईटीसी कब नहीं मिलता आईटीसी स्पेशल कब मिलता है जॉब वर्क का कैसे है तो कब आईटीसी मिलेगा ठीक है ना आईएसडी क्या होता है आईएसडी में आईटीसी का कंसेप्ट क्या है तो ये 16 से लेकर 21 सेक्शन 16 से लेकर 21 सेक्शन तुम्हारे आईटीसी के होंगे साथ में रूल 36 से लेकर रूल 45 तक आईटीसी के रूल होंगे कम से कम मानकर चलना तीन से चार क्लासे इसमें लगेंगी क्योंकि इसमें हाई कोर्ट की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी कवर अप होंगी ठीक है तो 12 से 15 घंटे हमारे पूरे इस आईटीसी के चैप्टर में जाएंगे ठीक है जी इसके अलावा अगला चैप्टर आएगा रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन किसे लेना ज़रूरी है किसे नहीं लेना है कब कंपलसरी लेना है क्या प्रोसीजर होता है कब अमेंडमेंट करनी है कब कैंसिलेशन होना है कब रिवोकेशन होना है तो सेक्शन बाईस से लेकर तीस सेक्शन बाईस से लेकर तीस और रूल आठ से लेकर रूल आठ से लेकर ठीक है ना रूल 8 से लेकर रूल 23 तक और आ के फॉर्म तीस बत्तीस फॉर्म तो रजिस्ट्रेशन में कम से कम दो से तीन क्लासे लगाएंगे कि कब कब रजिस्ट्रेशन लेना है कब कब नहीं तो ये सेक्शन का ब्रैकेट नोट करते रहना अगर मैं तुमसे पूछूं कि रजिस्ट्रेशन कौन से सेक्शन में है तुम ना बता पाओ 22, 23, 24 लेकिन ये बता देना 22 से 30 में है पहले हमारे को क्या याद करना है ब्रैकेट याद करना है पहले क्या करना है ब्रैकेट याद करना है कि भाई ये सेक्शन कौन से ब्रैकेट में उसके बाद इंडिविजुअल सेक्शन याद करूँगा उसके बाद इंडिविजुअल सेक्शन याद कराऊंगा। लेकिन पहले ब्रैकेट तो बोलो आईटीसी का ब्रैकेट क्या है फटाफट से बोलो आईटीसी के सेक्शन कौन से ब्रैकेट में है? जल्दी बोलो सोलह से इक्कीस ठीक है रजिस्ट्रेशन के किसमें रजिस्ट्रेशन के किसमें हाँ हा? बाईस से तीस बाईस से तीस बोलोगे ठीक है बाईस से तीस ऐसे ही रूल बोलोगे है ना ऐसे ही रूल बोलोगे ठीक है ना क्लियर है इसमें आठ से लेके छब्बीस तक रूल होंगे इसमें आठ से ले कर छब्बीस तक रूल होंगे मेरे हिसाब से रजिस्ट्रेशन आठ से शुरू होता है छब्बीस तक रूल होते हैं ठीक है हाँ ठीक है वैल्यूएशन के रूल बोलो वैल्यूएशन के रूल कहाँ से कहाँ तक बोलो फटाफट वैल्यूएशन के रूल बोलो फटाफट कहाँ से ये कह रहे देख ले याद नहीं है इतने वैल्यूएशन के रूल आ, बन गए दुर्योधन वैल्यूएशन के रूल पूछ रहा हूँ मैं वैल्यूएशन के रूल ये कह रहे आपने बताया ही नहीं अरे मैं तो तुम्हें बहुत चीज़ बताऊंगा तुम देखोगे ही नहीं वैल्यूएशन के रूल 27 से शुरू होंगे 35 तक जाएंगे 27 से 35 ठीक है 27 से 35 सर ये आप क्यों बता रहे हो ये वाली सारी चीज़ क्योंकि हो सकता है जहां पर हमें जाना है वहां पर जाने में समय लगे लेकिन किसी बच्चे के मन में कोई विवशता हो उत्सुकता हो तो वो पहले से पहले ही नहीं पढ़ लेगा ठीक है उसके बाद हमारा एक चैप्टर आएगा हमारा एक चैप्टर आएगा जिसका नाम होगा टैक्स इनवाइज क्रेडिट एंड डेबिट नोट जिसके अंदर हमारा मेन फोकस सेक्शन 31 पे रहेगा सेक्शन 34 पे रहेगा इसके अंदर रूल पढ़ेंगे रूल में हमारा फोकस रहेगा रूल 40 से रूल 55 तक कि भाई टैक्स इनवाइज कब बनता है बिल ऑफ सप्लाई कब बनता है रिसिप्ट वाउचर कब बनता है रिफंड वाउचर कब बनता है ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे क्रेडिट एंड डेबिट नोट का क्या होता है कब बनता है ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कम से कम से कम मानकर चलना दो क्लासें इसमें लगेगी कम से कम मान कर चलना दो क्लासें इसमें लगेगी ठीक है इसके सेक्शन और रूल में ठीक है इसके बाद इसके बाद अगला चैप्टर आएगा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन रखने हैं कब तक रखने हैं ठीक है रूल भी होंगे तो एक या आधी क्लास इसमें लगेगी एक क्लास मानकर चल लो एक क्लास या आधी क्लास इसमें लगेगी अकाउंट्स एंड रूल्स ठीक है जी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में एक क्लास या आधी क्लास लगेगी सब नोट करते जा रहे हो मैं लास्ट में पूछूंगा कितनी क्लासें हो गई कितने घंटे हो गए ठीक है चलो अगली क्लास जो होगी हमारी बात करेंगे हम रिटर्न की रिटर्न के अंदर सेक्शन बोलो कहाँ से कहाँ तक होंगे सेक्शन बोलो कहाँ से कहाँ तक होंगे सेक्शन बोलो कहाँ से कहाँ तक होंगे सैंतीस से अड़तालीस तक सैंतीस से अड़तालीस तक सेक्शन होंगे रूल तुम्हारे फिफ्टी नाइन से शुरू होंगे और पता नहीं कहाँ जाकर ये ख़त्म होंगे पता नहीं ये कहाँ जाकर ख़त्म होंगे इसमें से कुछ सेक्शन डिलीट हो चुके हैं इसमें से कुछ सेक्शन डिलीट हो चुके हैं जो बिल्कुल नहीं करेंगे इन्हें काट लेना ठीक है तो इसके अंदर क्या होगा सेक्शंस पढ़ेंगे रूल्स पढ़ेंगे और साथ में प्रैक्टिकल पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन के अंदर भी समय इसलिए लगेगा क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ें आ जाएंगी इसमें जी एस का प्रैक्टिकल बाद में करेंगे बाकी सारा प्रैक्टिकल जैसे ही थ्योरी कर लेंगे उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे तो इसके अंदर कम से कम मान कर चलना कम से कम मान कर चलना पाँच से लेकर छः क्लासें, पाँच से लेकर छः क्लासें कम से कम इसके अंदर लग सकती है ठीक है ना? पंद्रह से अट्ठारह घंटे लग सकते हैं थ्योरी प्रैक्टिकल पोर्टल ठीक है थ्योरी प्रैक्टिकल पोर्टल सारा इसके अंदर लगेगा ठीक है जी ठीक है जीएसटी प्रैक्टिशनर वगैरह की बातें भी इसके अंदर आएंगी फिर इसके अंदर हम आगे बात करेंगे यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो किसी को कोई डाउट हो तो बोलो क्या ये इस कोर्स का ओवरव्यू करा दूँ तुम्हारे को ठीक लग रहा है कि हाँ सर ओवरव्यू पता चले जा रहा है मनोहर मेहरा जी ने बताया उनसठ से चौरासी लगेंगे रूल हाँ बिल्कुल ठीक बताया तुमने हाँ कोर्स का ओवरव्यू कराना है ना कभी तुम्हें लग रहा हो कि एक घंटे का कोर्स है टाइम पास कर रहे हैं ये तो ठीक है ना ये टाइम पास नहीं है लेकिन तुम्हारे को एक पूरा ओवरव्यू दे रहा हूं ठीक है जी हाँ क्लियर है ना हाँ ये कह रहे सर ओवरव्यू कराइए जब भी तुम्हें लगे ना मैं कुछ फालतू करा रहा हूं तो बोल देना कि सर रहने दो तो ये मत कराओ फिर अगला सेक्शन आएगा सेक्शन उनचास और पचास सेक्शन उनचास पचास आएगा पेमेंट ऑफ टैक्स का और 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 पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे करें किस ऑर्डर में करें ठीक है ना इंटरेस्ट कैसे लगेगा ये सेक्शन उनचास और पचास कराएंगे इसके अंदर लगभग एक क्लास लगने की उम्मीद है क्योंकि इसके अंदर रूल्स भी आएंगे इसके अंदर रूल्स भी आएंगे तो एक क्लास लगने की उम्मीद है उसके बाद दो सेक्शन कराएंगे ठीक है टी और टी के एक टी सेक्शन 51 में सेक्शन 52 में टी ये दोनों सेक्शन एक ही क्लास में फिनिश हो जाएंगे क्योंकि इसके रूल नहीं है तो सेक्शनों के अंदर ही बात होगी तो इसके अंदर आ जाएंगे ठीक है ना हाँ पूरा अर्जुन बनाना है हाँ लेकिन बनने वाले होने चाहिए हाँ सेक्शन त्रालीस तिरालीस ए सेक्शन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री ए दोनों सेक्शन हट चुके हैं ठीक है ना ये नहीं कराएंगे डिलीट हो चुके क्लियर है इसके बाद सेक्शन तिरपन थोड़ा सा बताएंगे सेक्शन तिरपन थोड़ा सा बताएंगे कि इनका सेटलमेंट कैसे होता है ये गवर्नमेंट के लिए दोनों सेक्शन है फिफ्टी थ्री और फिफ्टी थ्री तुम्हारे लिए नहीं है लेकिन कहीं कहीं पर इसका रेफरेंस देंगे कहीं कहीं पर इनका रेफरेंस देंगे इसके बाद एक क्लास या दो क्लास में तुम्हें रिफ़ंड के बारे में बताएंगे इसमें सेक्शन फिफ्टी फ़ोर रिफ़ंड की बात करता है सेक्शन फिफ्टी फोर से लेकर सेक्शन फिफ्टी नाइन तक सेक्शन है सेक्शन फिफ्टी फोर से लेकर सेक्शन फिफ्टी एट तक के सेक्शन है रिफंड्स के ठीक है ना तो रिफ़ंड के अंदर रूल्स भी हैं सेक्शन भी है प्रैक्टिकल भी है रूल्स भी है सेक्शन भी है, है प्रैक्टिकल भी है तो ये तीनों चीज़ों में कम से कम दो क्लासें ज़्यादा से ज़्यादा तीन क्लासें लगेंगी ठीक है अभी मैं बैच में इसमें एक ही क्लास लगाएंगे लेकिन अर्जुन बैच है तो कम से कम दो या तीन क्लासें इसमें लगेगी ठीक है तो यहाँ तक अगर तुम रिफंड तक पहुँच गए अगर तुम रिफंड तक पहुँच गए इतना बताते बताते ही तीन आदमी लुढ़क लिए इतना बताते बताते ही तीन आदमी लुढ़क लिए पचासी पे शुरू करा था बयासी रह गए ठीक है ना एट्टी फाइव पर शुरू करा था और जब तक मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा तो उसके बाद संख्या रह जाएगी पचास इन सेक्शनों को कराने के बाद संख्या रह जाएगी पचास क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को यहीं तक मतलब होता है क्योंकि उन्हें पता है कि कंप्लाइंस यहीं तक है लेकिन असली प्रैक्टिस शुरू होगी इसके आगे असली प्रैक्टिस होगी इसके आगे यहाँ तक जितने लोगों ने सेक्शन कर लेंगे वो अपने जीवन में जीएसटी में एक आम इनकम कमाते रहेंगे क्योंकि उन्हें रजिस्ट्रेशन करना आ गया रिटर्न फाइल करना आ गया आईटीसी लेना आ गया टैक्स इन्वाइज बनाना आ गया पेमेंट करना आ गया रिफ़ंड लेना आ गया वो कह रहे हैं हमसे बड़ा राजा कोई नहीं अब ठीक है बस पैसे हो गए वसूल ठीक है ना अब हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन अगर तुम्हारी हिम्मत ने जवाब नहीं दिया और तुम लाइव क्लास में आगे तक बने रहे तो अब मैं तुम्हें लेके जाऊंगा और आगे यहाँ से शुरू होती है मलाई ठीक है ना यहाँ से शुरू होती है मलाई उससे पीछे कंपटीशन है सेक्शन 58 तक कंपटीशन है बहुत लोग मिलेंगे अकाउंटेंट्स भी एडवोकेट्स भी सी भी लेकिन इससे आगे का जो सफ़र है वो वही लोग तय कर पाएगा ठीक है ना जिसके हौसले बुलंद होंगे जिसे अपनी ज़िंदगी में कुछ खास करना है ठीक है तो इसके पीछे के जितने सेक्शन हैं तो मेरी पूरी प्रैक्टिस में मैं उसका दस परसेंट ही करता हूँ तो आगे की प्रैक्टिस है ज़्यादा तो अगला चैप्टर आएगा असेसमेंट का किसका आएगा असेसमेंट रिटर्न फाइल कर दी अकाउंटेंट्स ने रिटर्न फाइल कर दी प्रोफेशनल ने नोटिस आ गया नोटिस का रिप्लाई कैसे दे रिटर्न नहीं फाइल करी तब क्या होगा तो असेसमेंट के अंदर पूरा एक चैप्टर है उनसठ से सिक्सटी फोर का ठीक है ना जिसमें ए एस एम टी टेन ए एस एम टी इलेवन की बातें करेंगे रिप्लाई की बातें करेंगे एक क्लास कम से कम मान कर चलो असेसमेंट के उसमें एक क्लास कम से कम मान कर चलो असेसमेंट के अंदर इसके बाद जीएसटी के अंदर दो ऑडिट हैं 65, 66 10 परसेंट से भी कम लोगों का ऑडिट होता है तो ऑडिट के अंदर क्या चीज़ें होती है कैसे रिप्लाई करना है सेक्शन क्या कहता है ये हम एक क्लास के अंदर करेंगे एक क्लास भी लग सकती है नहीं तो दो ही सेक्शन है तो आधी क्लास में भी काम निपट सकता है ठीक है ना अब ये कह रहे हैं सेक्शन तिरसठ में डाउट है पहली क्लास में कोई डाउट नहीं बताएंगे पहली क्लास में तुम्हें बता रहे हैं कि ये ये चीज़ें कराएंगे कि अनरजिस्टर्ड पर्सन की असेसमेंट कैसे करते हैं ठीक है रिटर्न फाइल नहीं करी तो कैसे होता है ये सब ठीक है अगला अगला तुम्हारे यहाँ पर कभी भी इंस्पेक्शन हो सकती है सर्च हो सकती है सीजर हो सकती है तुम्हें अरेस्ट किया जा सकता है तो किन किन केसेज में ये वाले प्रोविज़न लगते हैं क्या क्या सावधानियाँ तुम्हें बरतनी है तो ये एक क्लास के अंदर ये चीज़ें आपको बताएंगे इंस्पेक्शन सर्च सीजर एंड अरेस्ट ठीक है यहाँ पर ये जितने भी सेक्शन होंगे इसके साथ में एक सेक्शन नोट कर लेना सेक्शन 132 सेक्शन 132 की कुछ बातें यहाँ पर हम करेंगे तो एक क्लास में हमारा होगा इंस्पेक्शन सर्च सीजर एंड अरेस्ट कि अगर तुम्हारे पास कोई सर्च सीजर करने आएगा तो तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना है किन का नहीं ऐसे क्लाइंट आपको दस सालों में एक मिलेगा ठीक है ना पंद्रह सालों में एक मिलेगा लेकिन मजा आ जाता है जब तुम्हारे पास कोई फ़ोन करके पूछता है कि क्या मेरा क्लाइंट अरेस्ट हो सकता है मैंने ये कर दिया तुम्हें तो अरेस्ट के प्रोविजन ही नहीं, नहीं पता तो क्या बताओगे उसे ठीक है तो किस केस में अरेस्ट हो सकता है किस केस में नहीं ये सारा डिस्कशन इस चैप्टर में होगा उसके बाद युद्ध की तैयारी कर लो उसके बाद हमारा चैप्टर रहेगा डिमांड एंड रिकवरी का किसका रहेगा डिमांड एंड रिकवरी को जितने भी जितने भी तुम्हारे को नोटिस आते हैं वो सारे दो ही सेक्शन में आते हैं सेक्शन सेवनटी थ्री सेवनटी फोर इसमें कब कब नोटिस आ सकता है कब कब नोटिस इनवैलिड हो जाता है किस ग्राउंड पर आता है क्या टाइम लिमिट होती है ये पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे डी आर सी जीरो वन क्या होता है थ्री क्या होता है सिक्स सेवन एट ये क्या होते हैं ठीक है कम से कम मानकर चलना एक क्लास इसके अंदर लगेगी लगेगी फिर उन नोटिस का कैसे रिप्लाई देना है वो इसके बाद हम पांच सेक्शन करेंगे सेवनटी फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कि अगर नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया क्या होगा रिकवरी क्या होती है कैसे होती है रिकवरी क्या होती है कैसे होती है जर्नल डिसिप्लिन क्या होता है नोटिस देने का तो ये सेक्शन पढ़कर हमें पता चलेगा कि नोटिस सही था या गलत था रिप्लाई क्या करें तो एक क्लास आप इसके अंदर मान के चलो रिकवरी तक के अंदर ये एक क्लास इसके अंदर हम आपको लगाएंगे ठीक है जिसमें हम पिचहत्तर से ले 79 कराएंगे ठीक है इसके बाद एक सेक्शन आता है तुम्हारा कि भाई इंस्टॉलमेंट में टैक्स कैसे पे कर सकते हैं ठीक है इंस्टॉलमेंट में कैसे टैक्स पे कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे प्रोविजनल अटैचमेंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो ये दोनों सेक्शन पंद्रह पंद्रह मिनट आधे आधे घंटे के सेक्शन है आपको विद रूल्स बताएंगे ठीक है ना इसके अंदर एक चैप्टर आता है लाइविलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस जर्नली सेक्शन को हम नहीं कराते लेकिन अर्जुन बैच में सोच रहे हैं कि एक घंटा दो घंटा लगाकर इस सेक्शन को भी करा दूं ठीक है ना तो इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा जैसे पार्टनर की लाइब्रेटी कब होती है डायरेक्टर की कब होती है कंपनी की कब होती है तो जो मेन मेन चीज़ें हैं वो वाले सेक्शन करा दूंगा सारे सेक्शन इसमें नहीं करूंगा ठीक है तो इस तरीके से तुम्हारा शतक लगने वाला है तुम्हारा शतक लगने वाला है जो मैंने तुम्हें प्रोमिस करा था कि हाँ भाई हम सौ सेक्शन से ऊपर कराएंगे ठीक है ना इसके अलावा एक चैप्टर कराएंगे एडवांस रूलिंग ये अभिमन्यू बैच में भी कराया था कराने जा रहे हैं आज की क्लास में और अर्जुन बैच में भी होगा एक क्लास इसके अंदर लगाएंगे इसमें सौ में से तुम्हें दो क्लाइंट आपके पास आएंगे कि हमें एडवांस रूलिंग लेनी है लेकिन एडवांस रूलिंग के ना डिसीजन हमारे को ड्यूरिंग द कोर्स डिस्कस करने हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एडवांस रूलिंग क्या होती है उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है तो इसलिए एक क्लास एडवांस रूलिंग पे लगानी है उसके बाद हम बात करेंगे अपील्स की उसके बाद क्या बात करेंगे अपील्स की ठीक है अपील्स के प्रोविजंस क्या कहते हैं ठीक है अभी मैं न्यू बैच में एक क्लास में अपील कराई है इसमें कम से कम दो क्लास में अपील होगी ठीक है इसमें कम से कम दो क्लास में अपील होगी कि अपील कैसे करनी है क्या उसके लॉ है क्या उसके रूल्स हैं वो सारी चीज़ें अपील्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे ठीक है जी तो आप इसमें दो क्लास मानकर चलो अपील के अंदर ये लग जाएगी ठीक है ना अब यहाँ पर जो होगा कि आ, अपील के अंदर कौन कौन मेंबर होंगे क्या क्या होंगे वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हमारे को कोई लेना देना नहीं है तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे आप उसे अपने आप खुद कर लेना ठीक है अपील टू हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये वाले हम डिस्कशन नहीं करेंगे तो यहाँ से हम कुछ सेक्शंस आपके लिए छोड़ेंगे यहाँ से कुछ सेक्शन आपके लिए छोड़ेंगे ठीक है वो रीड ओनली सेक्शन होंगे आप खुद उसे कर सकते हो ठीक है ना इसके बाद अगला चैप्टर आएगा पेनल्टीज़ का अगला चैप्टर आएगा सेक्शन 122 से लेकर 138 तक के अंदर पेनल्टी का तो इसके अंदर से लगभग हम 10 सेक्शन आपको कराएंगे पेनल्टी के 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ठीक है ना फिर उसके बाद बत्तीस ठीक है ये यहाँ पर हम सेक्शन पेनल्टी के आपको कराएंगे तो कम से कम एक क्लास मानकर चलना पेनल्टी की लगेगी एक से दो क्लास एक इसके अंदर है सेक्शन एक सौ ये दोनों सेक्शन आपको सेक्शन 68 के साथ कराएंगे सेक्शन 68 के साथ ई वे बिल के साथ कराएंगे सेक्शन एक सौ एक क्लास अलग से इसकी मान लेना ट्रांजिशनल प्रोविज़न के जो सेक्शन है वो कुछ भी नहीं कराएंगे क्योंकि ट्रांजिशनल प्रोविज़न जब जी लो आया था तो पुराने लॉ से नए जीएसटी में कैसे आए उसकी बात करते हैं तो ये ट्रांजिशनल प्रोविज़न कुछ भी नहीं कराएंगे ठीक है ना तो ये आप अपने कोर्स में से हटा लेना किसी का कोई पुराना केस चल रहा होगा कुछ कर रहा होगा वो खुद देखे हम ट्रांजिशनल प्रोविज़न नहीं कराएंगे ठीक है उसके बाद क्या होगा ये जो मिसलेनियस के सेक्शन है सेक्शन वन से लेकर ठीक है ना वन तक 143 से लेकर 30 सेक्शन है इसमें से लगभग 15 सेक्शन ड्यूरिंग द कोर्स में आपको कराई दूंगा ठीक है जो मिसलेनियस के सेक्शन है पंद्रह सेक्शन बातों बातों में कोर्स के अंदर वो कहीं ना कहीं पर आपके हो जाएंगे ठीक है इसके बाद एक एंटी प्रोफिटरिंग का सेक्शन कराएंगे और उसके बाद ठीक है सेक्शन 172 कराएंगे और इस तरीके से तुम्हारा जीएसटी लॉ समाप्त हो जाएगा तो पूरे कोर्स के अंदर तुम्हें क्या लग रहा है कि कितने सेक्शन हो जाएंगे अब हाँ बोलो एक में से कितने सोच लिया कितने हो जाएंगे बोलो हाँ ठीक है 110 सौ दस सौ तीस सेक्शन के आसपास हो जाएंगे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है तो कौन कौन से सेक्शनों में क्या है थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लग गया इसके बाद तुम्हारा आई एक्ट शुरू होगा इसके बाद तुम्हारा आई एक्ट शुरू होगा आई एक्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ठीक है ना चौदह पंद्रह सोलह ये जो आठ दस सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है ये सारे सेक्शन आईजीएसटी एक्ट के तुम्हारे को कराए जाएंगे ठीक है ये सारे सेक्शन आईजीएसटी एक्ट के तुम्हारे को कराए जाएंगे ठीक है ना जी तो इस तरीके से तुम्हारा आईजीएसटी एक्ट भी फिनिश हो जाएगा आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन बीस या जो सेक्शन बाकी जो है वो सी एक्ट से सिमिलर है ठीक है ना तो आप उन्हें रीड ओनली उन् कर सकते हो तो जो मैंने इसका बोल लेते हैं कि दस से ज्यादा सेक्शन कराएंगे ठीक है ना दस से ज़्यादा मैंने बोला था कि इसके सेक्शन कराएंगे तो वो मैंने आपको बता दिया ठीक है तो इस तरीके से तुम्हारा कोर्स चलेगा बोलो यहाँ तक तुम्हें क्लियर हुआ या नहीं यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो जी बोलो जी, बोलो जी। क्लियर है क्लियर है एवरीथिंग इज़ क्लियर तो लगभग हमारे सेशन को स्टार्ट हुए पौने दो घंटे हो गए हैं ठीक है ना पौने दो घंटे हो गए हैं तो यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर हो गया कि हमारा कैसे कैसे चलेगा कैसे कैसे नहीं चलेगा ठीक है फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है ठीक है ना टोटल सेक्शन आई में पच्चीस सेक्शन होंगे दस बारह सेक्शन आपको कराए जाएंगे ठीक है ना दस बारह सेक्शन कराए जाएंगे तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न से ठीक है ना अब स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है तो आ जाओ निकाल लो फटाफट से ये सब मैं ग्रुप पे दे चुका हूं ग्रुप पे दे चुका हूं संविधान को क्यों चेंज करना पड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते संविधान को क्यों चेंज करना पड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने तुम्हें क्या बताया था हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कौन है हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कौन है बोलो तुम्हें क्या लगता है कौन है सबसे बड़ा हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन <laughs> वो एक कह रहे अंबानी एक कह रहे अंबानी अजय कह रहे ठीक है एक कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन एक कह रहे सुप्रीम कोर्ट एक कह रहे गवर्नमेंट एक कह रहे पार्लियामेंट मेरे हिसाब से हम प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों बात करेंगे हम प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों बात करेंगे तो जब हम थ्योरेटिकल बात, तो बात करते हैं तो थ्योरेटिकल बात में सबसे बड़ा हिंदुस्तान में कौन है थ्योरेटिकल बातों में थ्योरेटिकल बातों में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कौन है थ्योरेटिकल बातों में यह गहरे मोदी कौन है संविधान संविधान सबसे बड़ा है संविधान सबसे बड़ा है कुछ लोग कह रहे हैं जनता सबसे बड़ी है कुछ नहीं है ठीक है ना तुम्हें कहलाया जाता है तुम्हें खुश करने के लिए कि जनता सबसे बड़ी है ठीक है ना वो इलेक्शन तक ही है उसके बाद तुम कहाँ हो तुम्हें खुद पता है तो सबसे बड़ा है संविधान तो हम बात करेंगे संविधान की जो हमारा संविधान बनाया गया कि भाई ये देश कैसे चलेगा तो जब देश को चलाने की बात आई तो बात आई संविधान कैसे चलेगा ठीक है ना बात आई कि संविधान क्या है कैसे बनेगा और ये फिर कैसे देश चलेगा तो जब हमारे को देश की बात आई कि देश कैसे चलेगा तो वो संविधान की बात है तो संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है थ्योरेटिकली में संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है लेकिन गवर्नमेंट ने समय समय पर देश की जरूरत के हिसाब से इस संविधान को अमेंड किया देश की जरूरत के हिसाब से इस संविधान को अमेंड किया है क्योंकि ये जो संविधान बना था यह जो संविधान बना था यह उन्नीस का था संविधान बना है उन्नीस से मान लो तो उस टाइम पे देश में क्या था वो चीज अलग थी ठीक है ना आज कुछ अलग है तो संविधान को समय समय पर बदला गया है ठीक है ना संविधान को समय समय पर बदला गया है ठीक है ना जी इस वाले सिस्टम को भी क्लोज कर दो कोई दिक्कत है तो ठीक है ना क्लोज कर दो को होस्ट बना के ठीक है अब कई लोगों का आज की क्लास में कंसर्न ये था कि सर आज की क्लास दो घंटे की ही रखी जाए ठीक है ना लेकिन देखते हैं कहाँ पर क्लास खत्म करेंगे ठीक है ना तो मैं ऐसा गारंटी नहीं कह रहा दो घंटे में ही होगी ढाई भी हो सकती है तीन भी हो सकती है दो में भी हो सकती है तो देखते हैं कि कहाँ तक हमारी चलेगी ठीक है तो जब हम बात कर रहे थे संविधान की कि संविधान सबसे बड़ा है तो जब संविधान बनाया गया तो ये सोचा गया कि भाई देश कैसे चले तो उन्होंने क्या बोला कि भाई देश को चलाने के लिए टैक्स चाहिए लेकिन टैक्स बाबा अंबेडकर जो थे उन्हें पता था उन्हें पता था कि हमारा देश का सिस्टम कैसा है तो जब उन्हें ये पता था कि हमारे देश का सिस्टम कैसा है ठीक है तो उन्होंने क्या करा जब संविधान बना रहे थे तो उन्होंने क्या लिख दिया कि ऐसा कभी नहीं हो कि कपिल जैन अपनी क्लास पढ़ा रहे हो और कपिल जैन के यहाँ पर कोई भी व्यक्ति पहुँच जाए और जाकर कह दे कि कपिल जैन तुम पूरे इंडिया से 80-100 लोगों को पढ़ा रहे हो सात आठ लाख रुपए फीस दे दी लाव टैक्स दे दो तो। हो सकता है मैं यूपी में बैठ कर पढ़ा रहा हूँ तो योगी जी आ जाए दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ केजरीवाल आ जाए या मोदी जी आ जाए कि भाई हमें मोदी जी ने भेजा है लाव टैक्स दो तो कोई भी व्यक्ति टैक्स ना मांग ले तो उन्होंने टैक्स मांगने का अधिकार संविधान में कुछ ही लोगों को दिया और संविधान के अंदर जो लिखा जाता है वहां पर जैसे किसी एक्ट में सेक्शन होते ऐसे संविधान में आर्टिकल होते ऐसे संविधान में क्या होते आर्टिकल तो उन्होंने क्या लिखा आर्टिकल 265 बनाया और आर्टिकल 265 बनाकर क्या लिखा कि नो टैक्स क्या लिखा आर्टिकल 265 बनाकर कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ तो संविधान का आर्टिकल 265 क्या कहता है कि भाई आप किसी से भी टैक्स नहीं ले सकते टैक्स लेने के लिए अथॉरिटी ऑफ लॉ होना चाहिए अगर आपके पास अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं है अगर आपके पास अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं है तो आप टैक्स नहीं ले सकते यह वाली बात किसमें लिखी गई आर्टिकल 265 में आर्टिकल 265 में बात लिखी गई कि भाई साहब अथॉरिटी ऑफ लॉ होना चाहिए तभी आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो अदरवाइज आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते मैंने पूछा भाई अथॉरिटी ऑफ लॉ कहाँ से मिलेगा मैंने पूछा कि अथॉरिटी ऑफ लॉ कहाँ से मिलेगा तो इन्होंने क्या बोला कि अथॉरिटी ऑफ लॉ जो है ठीक है ना वो लिखा गया है आर्टिकल 245 में ऑफ लॉ किस लिखा गया है आर्टिकल 245 कि आर्टिकल 245 में लिखा गया है कि किस किस के पास अथॉरिटी है टैक्स कलेक्ट करने की पहला आर्टिकल क्या है कि आर्टिकल 265 सिक्सटी फाइव यह कहता है कि आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते अगर आपके पास अथॉरिटी ऑफ लो नहीं है उसके बाद आर्टिकल 245 ने क्या लिखा कि किसके पास अथॉरिटी है तो बाबा साहब ने जब ये एक्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने दो लोगों को अथॉरिटी दी क्योंकि हमारा जो देश है इस तरह का है तो उन्होंने दो लोगों को अथॉरिटी दी पहले थे पार्लियामेंट पहले लोग थे कौन पार्लियामेंट उन्होंने पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी कि तुम्हारे पास पावर है कि तुम पूरे इंडिया में कहीं तक का भी लॉ बना सकते हो पूरे इंडिया का लॉ बनाने की पावर आपके पास है लेकिन उन्हें पता था कि पार्लियामेंट में एक दिन मोदी जी आ जाएंगे और हो सकता है मोदी जी आकर कोई चुलटा सीधा लॉ बना दें और उससे देश परेशान हो जाए तो उन्होंने सेम पावर दी स्टेट्स को सेम पावर दी स्टेट को और क्या लिखा आर्टिकल टू फोर्टी फाइव में कि लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट मे मेक लॉ फॉर एली पार्ट ऑफ द स्टेट तो यहां पर अथॉरिटी ऑफ लॉ किसके पास है टैक्स लगाने की एक तो मान लो अरविंद केजरीवाल के पास और एक मोदी जी के पास ठीक है ना अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं लॉ की लैंग्वेज में बोलूंगा तो पार्लियामेंट के पास और किसके पास ठीक है अरविंद के ये लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इनके पास अथॉरिटी है दो लोगों के पास अब इससे क्या हुआ कि दो लोगों को अथॉरिटी दे दी तो जब ये दो लोगों को अथॉरिटी दे ही, तो ऐसा जरा सोचना कभी हम बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की हम बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की कि वेस्ट बंगाल में एक तो है ममता बनर्जी एक तो है ममता बनर्जी जो वहाँ की सीएम है एक है मोदी जी क्या मोदी जी को कानून बनाने की पावर है बंगाल में या नहीं बोलो क्या मोदी जी को बंगाल में कानून बनाने की पावर है या नहीं आर्टिकल टू फोर्टी फाइव क्या कहता है? आंसर यस तो मोदी जी ने क्या कहा कि बंगाल के लोगों पर मैं टैक्स लगाता हूं अच्छा ममता जी के पास बंगाल में पावर है टैक्स लगाने की या नहीं तो ममता जी ने भी कहा कि मैं बंगाल के लोगों पर टैक्स लगाती तो बताओ एक आदमी पर डबल बर्डन आ गया या नहीं एक आदमी पर डबल बर्डन आ गया या नहीं आंसर यस कि एक बार थप्पड़ मोदी जी ने मार दिया एक बार ममता बनर्जी ने मार दिया अब भाई साहब वहाँ की जनता परेशान हो गई उन्होंने कहा बाबा तुम क्या कर गए बाबा अम्बेडकर तुम क्या कर गए तुम तो आर्टिकल 245 में दोनों को पावर दे गए अपने को तो दोनों मिलके के तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं होगा इन्होंने एक आर्टिकल और बनाया उस आर्टिकल का नाम था 246 और आर्टिकल 246 में लिखा कि भाई अपने हिस्से बांट लो अपने हिस्से बांट लो तीन लिस्ट बना देते हैं आर्टिकल 246 के सेवन शेड्यूल में तीन लिस्ट बनाई गई और तीन लिस्ट में बोला तीन हिस्से कर लो एक बना दो लिस्ट वन जिसका नाम है यूनियन लिस्ट और यूनियन लिस्ट में हम वो वो मैटर्स लिखेंगे जिस पर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही कानून बनाएगी एक दूसरी लिस्ट बनाएंगे स्टेट लिस्ट जिसके अंदर सिर्फ स्टेट ही कानून बनाएगी एक तीसरी लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर दोनों कानून बना सकते हैं तो यह वाली बात किसमें लिखी गई आर्टिकल 246 में कि तीन लिस्ट बनाएंगे ठीक है ना तीन लिस्ट के हिसाब से कानून चलेगा तीन लिस्ट के हिसाब से कानून चलेगा तो अब यह बताओ अब यह बताओ यूनियन लिस्ट में लिखा गया कि मिलिट्री कहाँ कहाँ पे रहेगी इसके लिए कानून कौन बनाएगा मिलिट्री कहाँ कहाँ रहेगी इसके लिए कानून कौन बनाएगा बोलो जल्दी बोलो सेंटर अगर ये वाली मिलिट्री कहाँ कहाँ रहेगी बॉर्डर पे रहेगी नहीं रहेगी अगर ये वाला मैटर स्टेट में डाल देते तो जम्मू कश्मीर में मिलिट्री लगती क्या जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती मिलिट्री लगाने देती क्या? आंसर इज नो तो इन्होंने बोल दिया अगर देश की बात होगी तो स्टेट फालतू नहीं बोलेगी उसके पास एक्सक्लूसिव पावर हमारे पास है अब नोटबंदी आरबीआई का मैटर था किसके पास है कानून बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट समझ आई मेरी बात इसी तरीके से स्टेट के पास अपने मैटर है तुमने सुना है ना यूपी पुलिस महाराष्ट्र पुलिस सुना है या नहीं सुना तो ये सारी जो है ये स्टेट के अंदर में है लेकिन इनके पास टैक्सेशन मैटर भी है इनके पास क्या है टैक्सेशन मैटर एक तीसरी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट इसमें लिखा हुआ है कि जो भी मैटर है नॉन टैक्सेशन है ये कह रहा है टैक्स की बात नहीं करेंगे हम कंकरण लिस्ट में दोनों मिलके कानून बना लो दोनों मिलके कानून बना लो टैक्स की बात ही नहीं करेंगे तो जैसे तुम्हें पता है कि एक हमारा बोर्ड है सी बी एस सी बोर्ड सुना है आप लोगों ने तो उन्होंने बोल रखा है ना भाई बच्चा टेंथ करेगा ट्वेल्थ करेगा तो क्या क्या चीज़ें एग्जाम में आनी चाहिए क्या क्या कोर्स होना चाहिए तो ये स्टेट और सेंट्रल दोनों ने मिल बना रखा है ठीक है कि भाई इस वाले केस में क्या होगा समझ आई मेरी बात या नहीं तो अब ये बताओ जीएसटी आर्टिकल 246 के कौन सी लिस्ट में लगा है आर्टिकल 246 से कौन सी लिस्ट में लगा है जीएसटी में सेंट्रल भी टैक्स लेती है स्टेट भी टैक्स लेती है तो जीएसटी कौन सी लिस्ट से लगा है बोलो लिस्ट वन लिस्ट टू लिस्ट थ्री कनकरेंट मैंने अभी कनकरन लिस्ट में क्या लिखा कि यहां पर टैक्सेशन का तो कोई मैटर ही नहीं होगा यहां पर टैक्सेशन का तो कोई मैटर ही नहीं होगा तो यूनियन आप यह कह रहे हो यूनियन लिस्ट तो यूनियन लिस्ट से कैसे लग सकता है उसमें तो क्या है कि सिर्फ सेंट्रल ही टैक्स लेगी लेकिन जीएसटी में तो दोनों लेते स्टेट भी और सेंट्रल भी अब ये कह रहे बोथ वन और टू अब मजे की बात समझो जो मैटर वन में लिखा है वो टू में नहीं लिखा में जो टू में लिखा है वो वन में नहीं लिखा जो मैटर वन में लिखा है वो टू में नहीं लिखा जो टू में लिखा है वो वन में नहीं लिखा तो प्रतीक मित्र का निश्ची ने बोला कि भाई साहब संविधान के हिसाब से तुम जीएसटी लगा ही नहीं सकते संविधान के हिसाब से तुम जीएसटी लगा ही नहीं सकते अगर तुम्हें संविधान के हिसाब से जीएसटी लगाना है तो आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 के अंदर बदलाव करना पड़ेगा और आर्टिकल 246 की जगह एक नया आर्टिकल लाना होगा जिसका नाम है आर्टिकल 246 ए और इस आर्टिकल 246 लाने के लिए तुम्हारे को संविधान को चेंज करना पड़ेगा और संविधान को चेंज करने के लिए तुम्हारे को द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 लाना ही पड़ेगा कब 8 सितंबर 2016 को 8 सितंबर 2016 को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए कोई पूछे क्यों लेकर आए क्योंकि जो हमारा संविधान था वो कभी भी पावर देता ही नहीं था कि एक चीज पर दोनों लोग टैक्स लगा लें आर्टिकल 245 ये कहता था कि सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी ठीक है ना आर्टिकल 245 ने क्या बोला था कि स्टेट अपने कानून बना सकते सेंटर अपने लेकिन आर्टिकल 246 में मुद्दे बट चुके थे आर्टिकल 246 में मुद्दे बट चुके थे कि इस पर तुम टैक्स लगाओगे इस पर हम टैक्स लगाएंगे इसलिए इसलिए जो संविधान था तो संविधान के अंदर ऐसा प्रोविजन ही नहीं था संविधान के अंदर ऐसा प्रोविजन ही नहीं था कि तुम टैक्स लगा लो तो इसलिए 8 सितंबर 2016 को इसलिए 8 सितंबर 2016 को ठीक है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया कब लाया गया आठ सितंबर ठीक है ना 2016 8 सितंबर 2016 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हमारे प्रेजेंट साहब ने 8 सितंबर 2016 को उस पर मुहर लगाई और जिस दिन इस पर मुहर लगाई उसी दिन यह तय हो गया था कि जीएसटी आएगा उसी दिन यह तय हो गया था कि जीएसटी आएगा।, आएगा और आप बिलीव करना आप बिलीव करना मेरी बात का मैंने जो पहला जीएसटी पढ़ा था वो सितंबर 2016 में पढ़ा था और दिसंबर 2016 में मैंने पढ़ाना शुरू करा पढ़ा था और अप्रैल का तो तुम्हारे पास जीता जागता सबूत है नबी ठीक है जिसे मैंने अप्रैल में पढ़ाया था ठीक है मेरी एक स्टूडेंट है सीए ए रेनू सिंगला उन्हें मैंने फ़रवरी में पढ़ाया था फॉर्मली मैंने फरवरी से पढ़ाना शुरू करा था इनफॉर्मली दिसंबर से मैंने क्लास लेनी शुरू करी थी कब से 2016 से तो अगर आपको लगता है कि कपिल जैन को जीएसटी में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो उसका श्रेय इसलिए है क्योंकि मैंने जीएसटी कब से पढ़ना शुरू करा था सितंबर 2016 से जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 8 सितंबर 2016 को पास हुआ था समझ आई मेरी बात और 2016 से लेकर 2024 आ गया 2016 से लेकर 2024 आ गया लगभग सात साढ़े सात साल हो गए ऐसा कोई दिन नहीं जाता ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं जीएसटी ना पढ़ता हूँ या जीएसटी ना सुनता हूँ बीमार हो गया कहीं टूर पर हूँ वो बात अलग है नहीं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं हर दिन जीएसटी पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं हर दिन जीएसटी में कुछ ना कुछ होता है तो आप यह समझना कि शिखर पर पहुंचना आसान नहीं है कठिन नहीं है उस शिखर पर मेंटेन रहना बड़ा कठिन है तो इस शिखर पर तुम अगर मेंटेन रहना चाहते हो तो इस संडे की क्लास से तीन घंटे से तुम अर्जुन नहीं बनोगे अगर इसके साथ तुम संडे के तीन घंटे के अलावा अगर तुम हफ्ते में तीन घंटे चार घंटे अपनी स्टडी पे नहीं दे सकते तो कोई फायदा नहीं है कोई फायदा नहीं है तुम दुर्योधन भी नहीं बन पाओगे गारंटी बता रहा हूं मैं समझ आई मेरी बात तो वही बच्चा इस बैच में अर्जुन दुर्योधन बन सकता है जो इस क्लास के साथ प्रैक्टिस करे इस क्लास के अंदर रहने में ही लोगों को दिक्कत आ जाएगी कितने लोग हो गए दो घंटे की क्लास होते होते कितने लोग हो गए दो घंटे की क्लास होते होते बोलो हो गए ना एट्टी फाइव से 76 सिक्स समझ पा रहे हो मेरी बात अरे आदत ही नहीं है इतनी देर बैठने की उन्हें बीवी ने बुला लिया होगा संडे को अब बर्तन पड़े बर्तन मांज लो समझ रहे हो अरे कब तक क्लास लेते रहोगे चलो चलो शॉपिंग करने भी जाना था एक ही तो दिन मिलता है समझ रहे हो मेरी बात को मेरी एंगेजमेंट टूट गई थी क्योंकि मेरी बीवी ने कहा था कि संडे को मेरी छुट्टी रहती है मैंने कहा संडे को नहीं मिलूंगा तुम्हें संडे को तो मेरी क्लास रहती है एंगेजमेंट तोड़ दी उसने मेरे से दो हजार अट्ठारह की बात बता रहा हूं तुम्हारे को यकीन नहीं हो तो पूछ लेना चार्टर्ड अकाउंटेंट थी वो भी ठीक है ना वो जॉब करती थी उसने तोड़ दिया एंगेजमेंट जो मैं कह पूछ ही पूछ लेना <laughs> म्यूट कर लो आकाश जी ठीक है ना तो यहां पर रहना डिसिप्लिन के साथ रहना बड़ी बात है अब ये कह रहे नाम तुम्हें नाम क्या बता दू है अब तो शादी भी हो गई उसके बच्चे भी हो गए मेरी भी शादी हो गई मेरे भी बच्चे हो गए ठीक है अब तो प्रेजेंट वाली का पूछो तुम फ्यू जो पास्ट है उसे क्या पूछना हाँ तो मुद्दा सिर्फ इतना है कि डिसिप्लिन किस में है तुम्हें लगता है कई लोग मेरे को कैलकुलेशन भेज रहे थे कह रहे सर 120 बच्चों का एडमिशन कर दिया साढ़े सात हजार रुपये ले लिए दस लाख रुपए आ गए तुम पे तो हैं एक लाख रुपए महीना आ गया मतलब एक संडे को तीन घंटे पढ़ाओगे पच्चीस हजार रुपये तुम्हारा तो घंटे का रेट दस हजार रुपये घंटा हो गया सर डेट इज माई एक्चुअल रेट समझ रहे हो याद तो रखना पड़ता है ना एग्जाम्पल देने के लिए तुम्हें कि कोई व्यक्ति अपनी एंगेजमेंट तोड़ सकता है संडे को नहीं जाएगा बीवी के साथ घूमने तुम लोग संडे को ग्लास नहीं ले पा रहे ठीक है ये कह रहे पहला प्यार प्यार व्यार नहीं होता अरेंज मैरिज में वो शादी के बाद होता है ठीक है समझ आई मेरी बात तो डिसिप्लिन चाहिए भाई डिसिप्लिन ठीक है ना बिना डिसिप्लिन के नहीं बन पाओगे ये डिसिप्लिन मैंने फॉलो किया है किसी ना किसी बहाने से जीएसटी पढ़ता हूं किसी ना किसी बहाने से ये देखो कौन से सन की किताब दिखाई दे रही है तुम्हारे को ये 2018 की किताब है दिख रहा है 2018 ये देखो 2018 की किताब आज निकाली मैंने उसका पहला चैप्टर आज भी पढ़ा मैंने कि आज तुम्हें पहला चैप्टर पढ़ाना है तो एक बार देख लू समझ आ रहे हो या नहीं तो मैं भी पढ़ता हूँ तुम्हें भी पढ़ना है ठीक है ना तो बुक्स जो आपको सॉफ्ट कॉपी दी है वही सारी बुक्स है ये सारे नोट्स मैं दे चुका हूँ ठीक है मैडम अप्रूव करते रहो जो बंदे आ रहे हैं अगर वो हमारे ही स्टूडेंट है तो ठीक है ना ये क्या लिख रहे हो तुम बार बार सिक्सटी टू फाइव परसेंट ठीक है ना अब कुछ लोग कह रहे हैं मैंने तो सतासी सौ रुपये दिए इन्होंने डिस्काउंट ही नहीं लगाया ठीक है ना कुछ लोगों ने डिस्काउंट ही नहीं लगाया अब जैसे निशा जी ने नहीं लगाया लगाया कोई बात थी ऐसा होता रहता है कुछ ठीक है ना भगवान ने कहा कोई बात थी बारह सौ रुपये तो फालतू तो दी ठीक है ना डिस्काउंट नहीं लगाया ठीक है अब कुछ लोग कह है रहे हैं ना हाँ ये कह रहे हैं रिफंड प्लीज अरे नहीं रिफंड वीफंड सिस्टम नहीं रखते हम जिसने दे दिया वो प्रभु की इच्छा से आ गए ठीक है हाँ तुम भी कोड डालना भूल गए तो कोई बात नहीं ठीक है ना चलो हाँ कोट डालने भूल गए कोई बात नहीं तो हमने क्या बताया 2016 में इसकी नींव रखी गई और 2016 में इसकी नींव रखने का कारण ठीक है ना इसकी नींव रखने का कारण मैंने तुम्हें क्या बताया ठीक है नींव रखने का जो कारण था वो नींव रखने का कारण था कि लो में प्रोविजन था ही नहीं ठीक है ना लो में ऐसा प्रोविजन था, था ही नहीं समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं बोलो लो में ऐसा प्रोविजन था ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा था ही नहीं इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया तो उसमें आर्टिकल 246 के बाद आर्टिकल 246 ए जोड़ा गया और जब आर्टिकल 246 ए जोड़ा गया तो आर्टिकल 246 ए ने क्या लिखा मैं आर्टिकल 246 ए पढ़कर बताता आर्टिकल 246 ए पढ़कर क्या है ठीक है ना आर्टिकल 246 ए क्या कहता है स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो जीएसटी जो आया है वो एक स्पेशल प्रोविजन से आया है आर्टिकल 246 से आया है ठीक है ठीक ना इस ऑफ न्यू आर्टिकल 246 तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसमें आर्टिकल 246 ए को डाला गया स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स ठीक है ना अब इन्होंने कहा कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर किसकी होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंड करने की पावर होती है वो ऑलवेज ऑलवेज पार्लियामेंट के पास होती है पार्लियामेंट के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा जब उसे अप्रूव कर देंगे और राष्ट्रपति जी उसे अपनी एसेंट दे देंगे तभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा तो ये ट्राई किया गया था 2000 में 2006 में हुआ नहीं था हुआ कब जब मोदी जी 2014 में आए हुआ कब जब मोदी जी 2014 में आए वहां पर नींव रखी गई कि पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया गया लोकसभा राज्यसभा में दो साल तक दो साल तक ये बिल अप्रूव नहीं हुए 2016 में जाके ये अप्रूव हुए तो ये सफर जो था पहले उस टाइम पर दो हजार के टाइम पर भी बोला गया था पर नहीं ला पाए थे ठीक है तो क्लियर हुआ क्लियर हुई है वाली चीज तो आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स ए लाया गया आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स ए ने क्या कहा जो समस्या आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स में थी उस समस्या को दूर किया आर्टिकल 246 फोर्टी ए ने आर्टिकल 246 फोर्टी ए ने क्या बोला ठीक है ना आर्टिकल 246 ए ने क्या बोला कि नॉट विद एनीथिंग कंटेंट इन द आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स तो जब भी हम बात करेंगे नॉट विद स्टैंडिंग तो इस नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है ओवर रूल क्या होता है ओवर रूल ओवर रूल ओवर रूल का मतलब क्या होता है हिंदी में भाड़ में गया सेक्शन टू फोर्टी सिक्स हम इसे ओवर रूल करते हैं जैसे मैंने अपनी वाइफ को बोला कि तुम्हारे को पंद्रह मिनट के अंदर तैयार हो जाना है हमें शॉपिंग करने जाना है तो उन्होंने क्या लिखा नॉट विद एनी थिंग एनी पर्पज आई विल बी प्रिपेयर ठीक है ना आई विल बी रेडी इन वन आवर मिनिमम वन आवर तो इन्होंने क्या लिखा कि कोई भी सिचुएशन है मैं सबको ओवर रूल करती हूँ मुझे प्रिपेयर होने के लिए रेडी होने के लिए एक घंटा चाहिए क्या कोई भी सिचुएशन है सबको ओवर रूल करती हूँ तो जब भी कभी कहीं पर भी स्टार्टिंग होगी नॉट विध स्टैंडिंग से तो नॉट विद स्टैंडिंग ओवर रूल करता हूँ सबको तो क्या लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग ठीक है ना नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंट इन आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स अभी आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स तक ही रहना कहते हैं कि आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स में क्या लिखा है मुझे नहीं मतलब कि स्टेट अलग कानून बनाएगी सेंट्रल अलग कानून कराएगी मैं उसे ओवर रूल करती हूं पार्लियामेंट है ठीक है ना पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट क्या बोला इन्होंने पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट है पावर टू मेक लॉ विद रेस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स की पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट क्या बोला गया कि किन के पास पावर है पार्लियामेंट के पास और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट कि पार्लियामेंट के पास भी पावर है और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट के पास भी पावर है किसके लिए कानून बनाने के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स किसके लिए कानून बनाने के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए जबकि जो आर्टिकल 246 था जो आर्टिकल 246 था आप उसे कहीं पर ओल्ड में कर कहीं मिले तो वहां पर उसे पढ़ना आर्टिकल 246 में दो क्लोज लिखी थी कि पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी ठीक है ना पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लिए सॉरी सेंट्रल के लिए और जो क्या कहते हैं स्टेट जो बनाएगी ठीक है ना वो बनाएगी अपनी टेरिटरी के लिए तो इन्होंने पहली बार आर्टिकल टू ए में आर्टिकल 246 ए में ये चीज़ बोली कि दोनों मिलकर कितने लोग मिलकर दोनों मिलकर कानून बनाएंगे कौन कौन दोनों भाई पार्लियामेंट और बोलो लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधानसभा लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधानसभा तो अब कानून बनाने की बात हुई कि चलो दोनों मिलकर कानून बनाएंगे एक पार्लियामेंट और एक लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट तो इन्होंने कहा एवरी स्टेट की विधानसभा को बुला लो उन्होंने कहा विधानसभा उठ के थोड़ी जाएगी उन्होंने कहा ऐसा करो विधानसभा से हर एक की विधानसभा से उसके फाइनेंस मिनिस्टर को ले आओ हर एक स्टेट की विधानसभा से उसे क्या लियाओ भाई सौरभ कुमार जी म्यूट कर लो उसके फाइनेंस मिनिस्टर को ले आओ और जो पार्लियामेंट का जो है उसके भी फाइनेंस मिनिस्टर को ले आओ जो हमारे देश का है और इन सबको एक कमरे में बंद कर दो और इनसे कह दो कि कानून बना ले या इन्हें घर के लिए होमवर्क दे दो कि कानून बना ले तो जब ये लोग जब ये लोग कानून बनाकर लाएंगे सत्ताईस अट्ठाईस स्टेट ये कानून बनाकर लाएंगे तो सबका अलग अलग होगा या एक जैसा होगा बोलो सबका अलग अलग होगा या एक जैसा होगा सबका एक जैसा होगा या अलग अलग तो सबका अलग अलग होगा तो जब सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा तो रायता और फैल जाएगा ममता बनर्जी अपना कानून लाएगी ये लो मेरा जीएसटी अरविंद केजरीवाल कहेगा ये लो मेरा जीएसटी तो उन्होंने कहा ये ना होबे उन्होंने कहा ये ना होबे तो जब उन्होंने बोला ये ना होबे तो उन्होंने क्या करा ठीक है ना उन्होंने क्या करा एक, एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया आर्टिकल 279 के बाद एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया एक नए आदमी को जन्म जन्म दिया संविधान ने संविधान ने एक नए आदमी को जन्म दिया आर्टिकल 279 सेवनटी ए करके जिसका नाम रखा गया जीएसटी काउंसिल तो जीएसटी काउंसिल का जन्मदाता कौन है जीएसटी काउंसिल का जन्मदाता कौन है बोलो जीएसटी काउंसिल का जन्मदाता कौन है बोलो आर्टिकल 279 ए और ये कब आया ये कब आया 8 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल आ गई और क्यों आ गई कि अगर सब स्टेट को दे दिया कानून बनाने को तो सब अलग अलग बनाएंगे तो इन्होंने काउंसिल एक बना दी और इस काउंसिल में क्या बोल दिया कि इस काउंसिल में जो फिनेंस मिनिस्टर होगा वो चेयरपर्सन होगा और जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के मिनिस्टर होंगे वो सब उसके मेंबर होंगे और ये हर हफ्ते हर महीने हर दो महीने हर तीन महीने में मिलते रहेंगे और आपस में एक बंद कमरे में लड़ाई करते रहेंगे और उस बंद कमरे में लड़ाई करके जो भी जीएसटी के अंदर लाना है वो लाते रहेंगे और सबसे पहले क्या लाएंगे सबसे पहले क्या लाएंगे एक कानून लाएंगे जिसका नाम होगा सीजीएसटी एक्ट सब क्या लाएंगे एक कानून लाएंगे जिसका नाम होगा सी जी एस टी एक्ट और उसके बाद यह जो सी जी एस टी एक्ट होगा यह सबकी सहमति से बनेगा और उसके बाद जितने भी स्टेट वाले होंगे सब के सब कॉपी पेस्ट कर लेंगे सब के सब कॉपी पेस्ट कर लेंगे उसी एक्ट को तो उनका नाम हो जाएगा एस जी एस टी एक्ट तो यह किस में सहमति हुई जी एस टी काउंसिल में और जीएसटी काउंसिल में कौन लोग हैं जीएसटी काउंसिल में कौन लोग हैं स्टेट वाले भी हैं और सेंट्रल वाले भी तो इसलिए तुमने देखा होगा हर बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है और जीएसटी के अंदर कुछ भी बदलाव करना होता है तो वो जीएसटी काउंसिल के माध्यम से होता है ठीक है ना? तो तुम्हारे को जीएसटी इतना पढ़ना है कि बस तुम एक दिन जीएसटी काउंसिल में पहुंच जाओ ठीक है ना समझ में आ गई बात जीएसटी काउंसिल में तुम एक दिन पहुंच जाओ कि हाँ साहब ठीक है ना इस लेवल पर मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा कि लॉ के अंदर क्या गलत है वो मैं तुम्हें बता दूंगा तो कभी जीएसटी काउंसिल तुम्हारे पास आ जाए रेफरेंस से या कैसे भी ठीक है ना तो तुम बता देना साहब तुम्हारे लॉ में ये ये गलती है ठीक है अब ये कह रहे सर यू आर एलिजिबल तुम्हें पता नहीं मैं कितना क्रांतिकारी आदमी हूँ अगर मैं जीएसटी काउंसिल में पहुंच गया ये रिश्वत ख़त्म करवा दूंगा मैं समझ रहे हो या नहीं ठीक है तो मुझे ये लेके जाएंगे ही नहीं वहाँ पे, ठीक है ना समझ में आ रही है मेरी बात हाँ तो मैं अभी एलिजिबल नहीं हूँ ठीक है ना चलो ठीक है ठीक है ना अब ये कह रहे हाओ ठीक है ना ठीक है कोई बात नहीं तुम इलेक्शन लड़के काउंसिल में पहुँचो फाइनेंस मिनिस्टर बनो किसी स्टेट के तब जाना है ना चलो हाँ ये कह रहे हैं वैसे ही फीस बहुत है आपकी ठीक है ना तो काउंसिल का पर्पज़ समझ आया बोलो काउंसिल का पर्पज़ समझ आया तो अगर आपसे कोई पूछे कि जीएसटी काउंसिल का जन्मदाता कौन है तो आर्टिकल 279 सेवेंटी नाइन है आर्टिकल टू सेवेंटी है और काउंसिल में कौन कौन लोग है भाई एक फिनेंस मिनिस्टर है एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंचार्ज है और एक जो स्टेट्स के लोग हैं वो ठीक है अब ये कह रहे हैं कि भाई तुमने बनाई क्यों ये जीएसटी काउंसिल क्या करेगी ठीक है ना इन्होंने कहा कि भाई साहब ये जीएसटी काउंसिल क्या करेगी तो जो जीएसटी काउंसिल करेगी रिकमेंडेशन देगी किसे किसे देगी रिकमेंडेशन स्टेट को और यूनियन को कि देखो भाई हम तो ये कह रहे हैं तुम्हारे को तुम्हें करना है तो ठीक है नहीं तो तुम्हारी मर्जी इन्होंने अगर किन किन बातों पर आप हमें रिकमेंडेशन दोगे कि भाई कौन कौन से टैक्सेस लगाए जाएं कौन कौन से सब्ज्यूम किए जाएं तो आठ आठ सितंबर 2016 को जब काउंसिल बनी तो उन्होंने ये रिकमेंड करा कि कौन कौन से टैक्स लगेंगे कौन कौन से सब्ज्यूम होंगे ठीक है उसके बाद द गुड्स एंड सर्विस टैक्स मे भी सब्जेक्ट टू एक्जेंटेड फ्रॉम कि कौन कौन से गुड्स और सर्विस एग्जम्प्ट किए जाएँ क्या थ्रेस होल्ड लिमिट हो क्या गुड्स वगैरह के रेट्स हो जीएसटी के कोई स्पेशल रेट हो क्या और साथ में साथ में इस क्लोज को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना 2791G इसमें क्या लिखा गया इन्होंने कुछ स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोला कुछ स्टेट्स को क्या बोला भाई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ठीक है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्यों बोला क्योंकि ये कुछ स्टेट ऐसी थी जिन्हें लग रहा था जिन्हें लग रहा था कि जीएसटी के आने से हमारा नुकसान होगा जैसे कि ये नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है छोटी छोटी ठीक है ना यहाँ पर ज़्यादा बिजनेस नहीं है और ये वाली जो स्टेट्स है ये वाली जो स्टेट है जहाँ पर भगवान शिव जी नाराज होते रहते हैं कभी भी पहाड़ को खिसका देते हैं ठीक है कभी भी गंगा बह जाती है कभी भी यमुना बह जाती है कभी बर्फ़ में ढके रहते हैं तो इन्होंने क्या बोला कि भाई आप हमारे को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दो हमने कहा क्यों दे तुम्हें स्पेशल कैटेगरी का दर्जा उन्होंने कहा हमारे साथ ना दिक्कतें बहुत हैं तो आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन वन जी ने किसने दिया भाई ने स्पेशल कैटेगरी का दर्जा आर्टिकल टू सेवनटी जी ने तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भाई कौन कौन सी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं एज पर आर्टिकल टू सेवनटी जी तो आप इन स्टेट्स का नाम लिख देना आप इन स्टेट्स का नाम लिख देना ठीक है तो ये वो स्टेट्स हैं जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं सर ये क्यों पढ़ा रहे हो क्योंकि अभी आगे जब रजिस्ट्रेशन का चैप्टर करेंगे तो वहाँ पर इसे यूज करेंगे जब कम्पोजिशन का चैप्टर करेंगे तो वहाँ पर इसे यूज़ करेंगे जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसे यूज़ करेंगे ठीक है फिर इन्होंने क्या बोला कि भाई कुछ पेट्रो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिस पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऐसे हैं इस पर जी कब आएगा ये कौन डिसाइड करेगा काउंसिल ये कौन डिसाइड करेगा काउंसिल तो आज की डेट में आज की डेट में जीएसटी नहीं है आज की डेट में जीएसटी नहीं है इन पांच प्रोडक्ट्स पे क्यों क्योंकि ये बात इन्होंने आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन वन जी में लिख दी थी कि एक कोई फ्यूचर डेट होगी एक फ्यूचर डेट होगी उस डेट से जीएसटी इन पर लगेगा एक जुलाई से इन पर जीएसटी नहीं लगेगा ठीक है बाकी इसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये वोट डालते हैं और उस वोट के बाद डिसीजन होता है तो ये तुम्हें तब पढ़ना है जब तुम किसी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओगे तो तुम्हें देखना है कि तुम्हारी वोट का वज़न है तो तुम्हें काउंसिल की मीटिंग अटेंड करने जाना है ठीक है बाकी तुम चाहो तो इसे घर पर आराम से रीड कर सकते हो जो मैंने तुम्हें बताया ठीक है ना वो मैंने इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिया बाकी चीज़ क्या है जैसे आर्टिकल टू सेवेंटी जी में जो क्लोज इलेवन है वो क्या कहती है कि जी काउंसिल एक मीडिएटर का, का काम करेगी किसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वन और मोर स्टेट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट बिटवीन टू और मोर स्टेट कि अगर लड़ाई हो रही होगी वो कह रहा होगा इस पर जीएसटी लगाओ दूसरी स्टेट कह रही होगी नहीं लगाओ तो काउंसिल उन्हें बोलेगी हाँ भाई क्या करना चाहिए तो काउंसिल क्लियर हुआ टू सेवेंटी जी क्लियर हुआ बोलो क्या आर्टिकल टू ए क्लियर हुआ और इस काउंसिल ने क्या बनाया इस काउंसिल ने मिलकर क्या बनाया सी जी एस टी एक्ट और उसे हर स्टेट ने कॉपी मारा तो उससे क्या बना एस जी एस टी एक्ट उससे क्या बना एस जी एस टी एक्ट बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है बोलो स्टोरी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल तक की कहानी अब दीपक सिंह का क्वेश्चन अर्जुन का क्वेश्चन आई जी एस टी का क्या होगा ठाकुर आई जी एस टी का क्या होगा ठाकुर आई जी एस टी कहां से आया तो भाई सुनो बात आर्टिकल 246 ए दोबारा पढ़ो आर्टिकल 246 ए आर्टिकल 246 ए का जो सेक्शन वन था उसने किसे पावर दी थी दोनों को किसे पावर दी थी दोनों को सेंट्रल को भी और स्टेट को भी कि तुम दोनों एक कमरे में बंद हो जाओ और उस कमरे के नाम के आगे लिख लो जीएसटी काउंसिल और एक लो बना लो तो ये जो कमरे में बंद थे स्टेट के और सेंट्रल के आदमी उन्होंने कहा आई जी एस टी एक्ट भी बना ले उन्होंने कहा नहीं आई जी एस टी नहीं बना हुए उन्होंने कहा क्यों क्योंकि आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स में लिखा हुआ है पार्लियामेंट हैज पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिवली पावर टू मेक लो विद रेस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस वे आर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोट टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट कहता है कि जब भी कभी इंटर स्टेट होगा कोई भी ट्रांजेक्शन कोई फालतू नहीं बोलेगा सिर्फ एक ही व्यक्ति फालतू बोलेगा महारे मोदी जी और ये पार्लियामेंट के पास पावर है पार्लियामेंट के पास पावर है कि इंटर स्टेट के केस में कानून वही बनाएगी तो पार्लियामेंट ने इस एक्सक्लूसिवली पावर को यूज करके एक एक्ट एक का जन्म दिया जिसका नाम था आईजीएसटी। जिसका नाम था आईजीएसटी तो इस आईजीएसटी में क्या होगा क्या नहीं होगा स्टेट को कोई मतलब नहीं इस स्टेट को कोई मतलब नहीं इसकी सीधी सीधी पावर किसके पास है पार्लियामेंट की और यहां पर आईजीएसटी एक्ट में जो सारी ट्रांजेक्शन का नट सेल निकलेगा वो कौन सी ट्रांजेक्शन होगी इंटर स्टेट कौन सी होंगी इंटर स्टेट समझ में आई मेरी बात या नहीं बोलो बोलो समझ आई मेरी बात या नहीं तो आईजीएसटी का जन्मदाता कौन आर्टिकल 246 ए और एन सब सेक्शन टू क्लोज टू क्लियर हुई कहानी यहाँ तक या नहीं सीजीएसटी का जन्मदाता कौन आर्टिकल 246 फोर्टी सिक्स ए सबसेक्शन टू यहां तक कहानी क्लियर है यहां तक कहानी क्लियर है चलो तो जब ये कहानी क्लियर आपको यहां तक है तो अब इसमें और डिस्कशन पे चलते हैं अब यहां पर क्या हुआ आर्टिकल 246 था या डिलीट हो गया ये अब है अब भी या नहीं बोलो लेकिन इसे क्या किया गया अमेंड क्या किया गया अमेंड ठीक है ये अमेंड होगा एक नया आर्टिकल आएगा 246 ए तो जब इसे अमेंड कर रहे थे आर्टिकल 246 ए में लिख रहे थे कि सेंट्रल और स्टेट कानून बना ले तो इन्होंने क्या करा सब प्रोडक्ट पर जीएसटी लगा दिया आर्टिकल 246 ए ने सब प्रोडक्ट पर जीएसटी लगा दिया किसे छोड़कर पेट्रोल प्रोडक्ट्स को छोड़कर पेट्रोल प्रोडक्ट्स को छोड़कर जीएसटी लगा दिया सब प्रोडक्ट्स पे अब आपको सर शराब का क्या हुआ शराब का क्या हुआ तो जब जीएसटी की प्रक्रिया चल रही थी जब जीएसटी पे डिस्कशन चल रहा था तो जब इस अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे बात हो रही थी कि हम अमेंड करके जीएसटी लगाएंगे तो भाई पार्लियामेंट में चर्चा हुई होगी या नहीं बोलो पार्लियामेंट में चर्चा हुई होगी या नहीं तो इन्होंने बोल दिया कि हम एक जीएसटी ला रहे हैं और जीएसटी में जीएसटी लगेगा सारे गुड्स पर पंजाब के जो मंत्री थे उसने कहा अरे भाई कैसे लगाओगे सब पर शराब पे नहीं लगेगा गोवा ने कहा शराब पे जीएसटी नहीं लगने देंगे भाई ये तो ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हमारी स्टेट चल रही है ये तो ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हमारी स्टेट चल रही है गोवा ने विरोध कर दिया पंजाब ने विरोध कर दिया हिमाचल ने विरोध कर दिया उन्होंने कहा शराब पर जीएसटी नहीं लगने देंगे क्योंकि अगर शराब पर जीएसटी लग गया तो जो हमारे को टैक्स आ रहा है शराब पर क्या लगता है अगर जीएसटी नहीं लगता तो स्टेट एक्साइज क्या लगता है स्टेट एक्साइज कहां पर लिखी हुई है बात ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 246 में कहाँ लिखी हुई है आर्टिकल 246 में कि भाई जो स्टेट जो टैक्स लगाएगी स्टेट जो टैक्स लगाएगी ठीक है तो स्टेट जो टैक्स लगाएगी वो किस पर लगाएगी भाई साहब एल्कोहलिक लीकर फ्योर ह्यूमन कंजम्पशन उसने कहा साहब अपना तो नुकसान हो जाएगा शराब को जीएसटी नहीं लगाएंगे तो मोदी जी ने कहा चलो बाद में एग्जेंट कर देंगे नहीं लगाएंगे लेकिन इन्हें ये लगा नहीं भाई साहब एग्जेप नहीं तुम ना संविधान में लिखो इन्होंने स्टेट वालों ने बोला कि भाई संविधान में लिखो कि तुम शराब पर जीएसटी नहीं लगाओगे उन्होंने कहा संविधान में कैसे लिख के उन्होंने कहा नहीं तुम ना गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मीनिंग डिफाइन करो तो जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मीनिंग डिफाइन होना था तो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 366। तो आर्टिकल 366 में सब चीजों की डेफिनेशन है तो उन्होंने जब जीएसटी की डेफिनेशन डाली तो इन्होंने क्या लिखा गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्शन तो आर्टिकल 366 की क्लोज 12 ए ने यह क्लियर कर दिया कि शराब के ऊपर जीएसटी आएगा ही नहीं और अगर शराब के ऊपर जीएसटी लाना है तो पहले किसे बदलो बोलो शराब के ऊपर जीएसटी लाना है तो पहले किसे बदलो संविधान को बदलो और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इतना आसान नहीं होता तो अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई इन्होंने सब चीज़ों पर जीएसटी लगा रखा है और शराब पर जीएसटी नहीं लगा रखा तो आप क्या लिखोगे क्या बोलोगे कि शराब के ऊपर जीएसटी क्यों नहीं है अभी गीता पाटिल ने बोला कि शराब एग्जेम्ट है पेट्रोल प्रोडक्ट है गलत वर्डिंग एग्जैम्ट यूज़ नहीं करोगे आप शराब के ऊपर जीएसटी क्यों नहीं लगा सकते क्योंकि संविधान ने मना किया है संविधान ने यह चीज़ लिखा और क्यों लिखा है अगर शराब के ऊपर जीएसटी होगा तो था सौ तो 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 था। रुपये की शराब बिकेगी ज़्यादा से ज़्यादा चालीस रुपये जी होगा और आज अगर सौ रुपये की शराब बिकती है तो स्टेट को टैक्स तुम्हें क्या लगता है बीस रुपये मिलता होगा सौ रुपये की शराब पे कितने रुपए मिलता होगा टैक्स बोलो साठ रुपये मिलता होगा अस्सी रुपये मिलता होगा सौ रुपये मिलता होगा दो सौ रुपये मिलता होगा तो कोई स्टेट ये चाहेगी कोई स्टेट ये चाहेगी दिल्ली जैसी गोवा जैसी हाँ, कि शराब के ऊपर जीएसटी लग जाए तो उन्होंने कहा मोदी जी शराब के ऊपर जीएसटी नहीं लगाओगे यह वाली बात किस में लिखो संविधान में लिखो किस में लिखो संविधान में तो इसलिए संविधान में लिखा गया कि जीएसटी की फुल फॉर्म ही यही है जो सारे गुड्स और सर्विस पे लगेगा लेकिन किस पे नहीं लगेगा शराब पर नहीं लगेगा किस पे नहीं लगेगा शराब पर तो अब यह हुआ कि भाई जब तुम जीएसटी लगा रहे हो सारी चीजों पर अबे भाई पुराने टैक्स तो हटा दो अरे भाई पुराने टैक्स तो हटा दो तो पुराने टैक्स कहां से लग रहे थे आर्टिकल 246 से तो उन्होंने कहा पुराने टैक्स को तो अमेंड करके हटा दो तो उन्होंने कहा ठीक है पुराने टैक्स हटा देते तो पुराने टैक्स कौन कौन लगाता था तो पुराने टैक्स लगाती थी स्टेट और पुराने टैक्स लगाती थी सेंट्रल तो उन्होंने कहा तो दोनों बैठ गए एक स्टेट वाला एक सेंट्रल वाला उन्होंने एक हवन कुंड बना लिया उन्होंने कहा कि पुराने टैक्स इसमें डाल दो जला दो पुराने टैक्सों को तो एक तरफ मोदी जी बैठे थे एक तरफ ममता बनर्जी बैठी थी ठीक है ना अब समझना एक एक टैक्स को हवन कुंड में डाला जाएगा तो मोदी जी पहले लगाते थे सर्विस टैक्स लगता था या नहीं कौन लगाता था सर्विस टैक्स कौन लगाता था सर्विस टैक्स बोलो सेंटर लगाती थी या नहीं बोलो बोलो यस तो मोदी जी ने सर्विस टैक्स निकाला पोटली में से हवन कुंड में डाल दिया स्वाहा आज के बाद सर्विस टैक्स नहीं लगेगा ठीक है ना अब उन्होंने बोला ममता जी तुम भी डालो कुछ जिसमें ममता जी कह रही हैं मैं डालूँ तो ममता जी डालने लगी वैट ममता जी क्या डालने लगी कि चलो मैं सर्विस टैक्स के व्याप पे डाल देती हूँ वैट और जैसे ही वैट डालने लगी उनका हाथ रुक गया उन्होंने कहा वैट डाल दूँगी तो इसका मतलब फिर तो मैं वैट ले ही नहीं पाऊंगी किसी भी चीज़ों पर तो उन्होंने कहा वैट नहीं डाल दूंगा मोदी जी ने कहा क्यों नहीं डाल ले तुम वैट तुम्हें डालना पड़ेगा तो उन्होंने कहा सब पे नहीं डाले तो इन्होंने क्या बोला वैट जो था वैट जो था जो स्टेट गवर्नमेंट ले रही थी उन्होंने कहा हम किसी चीज़ों पे वैट नहीं लेंगे लेकिन शराब बिकेगी लेकिन शराब बिकेगी तो शराब पर तो वैट लेंगे ना, पेट्रोल प्रोडक्ट्स बिकेंगे तो उस पर तो वैट लेंगे ना क्या क्या बोला इन्होंने जब शराब बिकेगी उस पर तो वैट लेंगे ठीक है जब शराब बिकेगी उस पर तो वैट लेंगे जब पेट्रो प्रोडक्ट्स बिकेंगे उस पर तो वैट लेंगे तो इन्होंने वैट की आहूति दी सब्जेक्ट टू सब कंडीशंस कि हम कुछ चीजों पर वैट आगे भी लेते रहेंगे फिर मोदी जी से कहा अब फिर तुम क्या करो आहुति दो किसी चीज़ तो उन्होंने अपना जो कस्टम ड्यूटी लगती थी बीसीडी बेसिक कस्टम ड्यूटी वगैरह उसकी आहुति दे दी लेकिन यहाँ पर आहुति देते देते नट सेल में मोदी जी भी बड़े चालाक थे मोदी जी भी बड़े चालाक थे उन्होंने कहा भाई देखो यार हम एक्साइज ड्यूटी लेते थे तंबाकू एंड तंबाकू प्रोडक्ट्स पे हमने सबकी आहुति दे दी हम किसी पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लेंगे लेकिन तंबाकू और तंबाकू प्रोडक्ट पे इन पांच प्रोडक्ट को तो लगी कर दो इन पर तो जीएसटी है ही नहीं इस पर तो अभी भी हम एक्साइज ड्यूटी लेंगे लेकिन तंबाकू और तंबाकू प्रोडक्ट पे तंबाकू और तंबाकू प्रोडक्ट पे जीएसटी आने के बाद भी जीएसटी आने के बाद भी हम इस पर एक्साइज ड्यूटी लेंगे अब तम्बाकू वाले खुश हो गए तम्बाकू वाले खुश हो गए कि हमें भाई हम पे एक्साइज ही लगती रहेगी वे जी एस टी नहीं लगेगा लेकिन जब जी एस टी आया तो जी एस टी ने भी लिख दिया कि हम तम्बाकू एंड तम्बाकू प्रोडक्ट पर जीएसटी भी लेंगे अब तम्बाकू वालों ने अपने बाल नोच लिए कह रहे यार हमारी तो डबल पिटाई हो रही है साला इन्होंने जीएसटी भी लगा दिया और एक्साइज भी नहीं हटाया जीएसटी भी लगा दिया एक्साइज भी नहीं हटाया ये तो बड़ा अन्याय है मोदी जी ने कहा भाई देख लो ठीक है ना देख लो अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो बंद कर दो अपना काम करें बंद नहीं करेंगे अपने पास एड बढ़ा देंगे शाहरुख खान को ले आएंगे अजय देवगन को ले आएंगे ठीक है ना एड बढ़ा देंगे पैसा कमा लेंगे लगाओ तुम्हें जितना लगाना है लगाओ तुम्हें जितना लगाना है तो तंबाकू एंड तंबाकू प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें मोदी जी गेम खेल गए उन्होंने अपनी एक्साइज ड्यूटी खत्म नहीं करी और उस पर जीएसटी भी लग रहा है उस पर क्या लग रहा है भाई साहब जीएसटी भी लग रहा है इसकी डबल पिटाई हो रही है ठीक है ना तो ये हेल्थ को वैसे ही डैमेज कर रहा है तो इसलिए इस पर डबल टैक्सेशन हो रहा है अब जब अब जब क्या कहते हैं आहूति दे रहे थे तो ममता बनर्जी से कहा गया कि तुम भी आहूति दो तुम भी किसी चीज़ पर एक्साइज नहीं लगाओगी उसने कहा साहब तुमने तम्बाकू रखा है तो हम भी एक चीज़ रखेंगे जो मुंबई में बहुत चलती है उसका नाम है ओपियम इंडियन हेम्प और ड्रग्स इन्होंने कहा इस पर हम एक्साइज लगाएंगे इस पर हम एक्साइज लगाएंगे पहले भी लगाते थे स्टेट वाले और कह रहे जीएसटी आने के बाद भी लगाएंगे एक्साइज भी लगाएंगे और इस पर क्या लगेगा भाई जीएसटी भी लगेगा इस पर क्या लगेगा भाई जीएसटी भी लगेगा अब इन्होंने क्या बोला ड्रग्स वालों ने कह रहा हमने तुम्हारा क्या पड़ा खाड़ा है इस्टेट वालों ने बोला भाई कोई बात नहीं बंद कर दो तो उन्होंने कहा लगाओ कोई बात नहीं बहुत कमाई अपने धंधे में तो अगर आपसे कोई पूछे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ऐसे कोई प्रोडक्ट बताओ अफीम चरस गांजा ठीक है ये कह रहे हैं क्या होता है दीपक सिंह ठीक है मुंबई में जाओ पता चलेगा ठीक है अफीम चरस गांजा ठीक है ना उसे बोलते हैं तो अगर आपसे अब जीएसटी में पूछे कि, कि किस पे जीएसटी लगता है किस पे नहीं तो आ जाओ फटाफट से आ जाओ फटाफट से ठीक है आ जाओ फटाफट से एक नट सेल में एक चीज़ कर लेते हैं जहां से तुम्हारे को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जो जितना डिस्कशन करा बेटा वो सारा क्लियर हो जाएगा जो सारा करा है वो सारा क्लियर हो जाएगा समप कर लेते हैं सारे को यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो चलो ये जो बुक आपको भेजी है उसका पेज नंबर 1.23 1.23 चलो तो यहां पर क्या लिखा हुआ है यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जीएसटी सारे गुड्स पर है लेकिन पांच पेट्रोल प्रोडक्ट्स पर जीएसटी नहीं है इसका रीज़न क्या है कि फ्यूचर डेट से होगा एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी नहीं है एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि संविधान का आर्टिकल 366 ठीक है उसकी जो डेफिनेशन है उसने ही बाहर कर दिया तो साहब इस पर जीएसटी नहीं है तो इस पर क्या है साहब इस पर जीएसटी नहीं है तो इस पर क्या है इस पर स्टेट वाले एक्साइज ड्यूटी लेते हैं तो मोदी जी कहते हैं करो बर्बाद अपनी स्टेट को बनाओ शराब बेचो तुम ही टैक्स लो और जब ये बिकती है तो इस पर वैट या सी एस टी लेते हैं ठीक है ना जी ठीक है ना इसके अलावा पेट्रोल प्रोडक्ट्स पर जी एस टी नहीं है तो सर क्या है इस पर सेंटर वाले अपनी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेते हैं और जब स्टेट इस इसे बेचती है तो स्टेट इस, इस पर वैट और सी एस टी जो भी है वो लेती है ठीक है तो दोनों का अपना अलग अलग सेट है तो इन पर कोई डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा है बनने पर एक्साइज ड्यूटी बिकने पर बैठ एक सेंट्रल लेती है एक स्टेट लेती है ठीक है स्टेट क्यों लेती है शराब है ठीक है ना उन्हें पता है कि भाई स्टेट जितने लोग शराब ज़्यादा पियेंगे तो जो पंजाब का हाल हो रखा है वो हर जगह का हाल हो जाएगा पंजाब का जो हाल हो रखा है उड़ता पंजाब हो रहा है वो वो उड़ना है ठीक है ना तो पंजाब का जो हाल है वो अपना हाल हो जाएगा ठीक है इसके अलावा तम्बाकू तंबाकू की पिटाई दोनों लोग करते हैं तंबाकू के ऊपर जीएसटी है ही है जब बिकता है और जब यह बनता है तो इस पर सेंट्रल वाले एक्साइज ड्यूटी लेते हैं सेंट्रल वाले एक्साइज ड्यूटी लेते हैं ठीक है ना अगर ओपियम इंडियन हेम्प नारकोटिक ड्रग्स है इनकी डबल पिटाई होती है जब यह बिकता है तो इस पर जीएसटी लगता है और जब यह बनता है तो इस पर स्टेट एक्साइज़ ड्यूटी लगती है ठीक है बनने पर क्या लगती है स्टेट एक्साइज ड्यूटी और बिकने पर क्या लगता है जीएसटी सॉरी बनने पर क्या लगता है ठीक है ना बनने पर लगती है एक्साइज ड्यूटी और बिकने पर जीएसटी तो इनकी डबल डबल पिटाई होती है तो यहाँ पर नष्ट शैल में चीज़ क्लियर हो गई अब किसी का क्वेश्चन है सर कर की डेफिनेशन लिख कर की क्या डेफिनेशन कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन दो तरीके की होती है कर एक जो दवाइयों में लगती है एक जो मतलब की जो तुम्हारे टॉयलेट प्रिपरेशन वाले वो होते हैं केमिकल्स वगैरह उसमें लगती है ठीक है ना और 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 एक जो होती है जो एल्कोहलिक लेकर फिर ह्यूमन कंजम्पशन होती है ठीक है ना एल्कोहलिक लेकर फिर ह्यूमन कंजम्पशन यहाँ पर बात उसे जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया क्लियर हो गया डेल तम्बाकू पर स्टेट वेट लगेगा इन्होंने बोला तम्बाकू पर स्टेट वेट क्यों लगेगा भाई स्टेट वेट क्यों लगेगा जब उसके बिकने पर तो जी लग गया जब उसके बिकने पर तो जीएसटी लग गया बनने पर एक्साइज लग गई तो स्टेट बैट की तो बात ही नहीं आएगी स्टेट बैट की तो बात ही नहीं आएगी क्लियर है हिमांशु गोला हिमांशु गोला क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाँ जी तो अगर आप लोग कहें तो आज की क्लास को यहीं पर विराम दें अगर आप डाइजेस्ट कर पाएँ और अगर आपको लगता है और भी फीड कर सकते हैं तो दो चार आर्टिकल और पढ़ लें हैं हाँ? या बाकी नेक्स्ट क्लास बाकी नेक्स्ट क्लास ये कह रहे हैं मज़ा आ रहा है ठीक ठीक है ना है आज छोड़ दो सर ठीक है कुछ लोग कह रहे हैं कंटिन्यू ठीक है ना कुछ लोग कह रहे हैं कंटिन्यू हाँ कह रहे नया नया जोश से आ जाए ना ठीक है ना तो ठीक है ना तो आगे का करेंगे नेक्स्ट क्लास में आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे ठीक है क्लास जैसे ही खत्म हो जाएगी कोई भी व्यक्ति एग्ज़िट करना चाहता है क्लास से एग्ज़िट कर सकता है उसके बाद नंबर ऑफ़ ऑडियंस के बेसिस पर पाँच मिनट दस मिनट देखेंगे किसी की कोई क्वेरी है तो बताएंगे अब इन्होंने पूछा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक क्या होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ और आर्टिकल हैं जो हमने अमेंडमेंट एक्ट में अभी नहीं पढ़े हैं तो वो हम और आर्टिकल पढ़ेंगे जैसे कि लेट सपोज़ हमारे को हमने कुछ आर्टिकल्स को पढ़ लिया है हमने कुछ आर्टिकल्स को और डिस्कशन करना है तो वो आर्टिकल मैं तुम्हारे को डिस्कशन कराऊंगा जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रह जाएंगे उसके बाद हमारी जो स्टार्टिंग होगी चार्जिंग सेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नाइन से ठीक है ना हाँ तो आज की क्लास में हमने बेसिकली पूरा दायरा पढ़ा कि हमारा पूरा दायरा गया था फिर उसके बाद हमने सारे सेक्शंस का ओवरव्यू किया कि भाई पूरे सेक्शंस में हमने क्या क्या देखना है क्या क्या पढ़ना है फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्यों आया ठीक है ना आर्टिकल 246 में वो चीज़ें नहीं थी मिसिंग थी तो आर्टिकल 246 ए को लाया गया सी एक्ट का जन्म कैसे हुआ आई एक्ट का जन्म कैसे हुआ ठीक है ना तो जी लगने से क्या क्या चीज़ें सब्ज्यूम हुई क्या क्या चीज़ें अभी भी जी लगने के बाद भी पिक्चर में है नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट क्लास आज सात तारीख़ है अगली क्लास हमारी चौदह तारीख को होगी ठीक है चौदह तारीख को संडे को तीन बजे से ही होगी ठीक है ना तीन बजे से ही हमारी क्लास होगी ठीक है ना तो आप तीन से छः के लिए अपना माइंड मेकअप करके आइएगा आज मैंने तुम्हारे को पौने तीन घंटे में छोड़ रहा हूँ ठीक है ना अगली क्लास से ऐसा हो सकता है तीन घंटे लगे साढ़े तीन लगे तो अपना माइंड मेकअप उसके हिसाब से करके आना है ठीक है ना नेक्स्ट क्लास का मैंने बता दिया सर मकर संक्रांति है चौदह को भाई मकर संक्रांति है कुछ भी है ठीक है ना नाइन्टी परसेंट लोग कहेंगे फिफ्टी से ज़्यादा कहेंगे छुट्टी नहीं होनी चाहिए तो छुट्टी नहीं होगी ठीक है ना ठीक है ना तो छुट्टी नहीं है सर फिज़िकल बुक्स मिलेगी क्या आंसर इज नो जो भी नोट्स होंगे सॉफ्ट के नोट्स होंगे तो इसके अंदर से आप सारे नोट्स पढ़ लेना नेक्स्ट क्लास में सेक्शन नाइन शुरू करेंगे ये वाले अमेंडमेंट एक्ट में जो भी चीज़ें होंगी जो भी मैंने तुम्हें पढ़ाया है तुम्हें पहले ही नोट्स दे दिए थे नेक्स्ट क्लास में जो हमारा बेयर एक्ट है उसका सेक्शन नाइन पढ़ेंगे बेयर एक्ट का सेक्शन नाइन पढ़ेंगे और जो इसमें से कंटेंट रह गया है वो ठीक है ना तो क्लास मैंने तुम्हें तुम डेल वाले लेट जॉइन करे होंगे तो मैंने तुम्हें बता दिया था कि हमें आठ महीने के अंदर क्लास को फिनिश करना है नौ महीने के अंदर तो हमारे को कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है आज की रिकॉर्डिंग कहाँ पर मिलेगी आज जैसे ही आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी संडे को टीम नहीं रहती है तो आपको विद इन वन और टू डेज आपको क्लास आपके ऐप पर मिल जाएगी अर्जुन बैच के अंदर मिल जाएगी भाई कोई भी प्रेशर ना करे क्लास अपलोड नहीं हुई क्लास अपलोड नहीं हुई ठीक है आपने क्लास मिस करी है तो आप ये मानकर कर चले नेक्स्ट क्लास से पहले क्लास आपको मिल जाएगी लेकिन आप ये सोचे जैसे ही क्लास ख़त्म हुई उससे पहले ही अपलोड हो जाए ऐसा नहीं होगा एक दिन दो दिन तीन दिन का समय लग सकता है सर तम्बाकू पे एग्जिस्टिंग टैक्स एंड जीएसटी क्यों लगता है मैंने आपको क्या बताया कि मोदी जी ने मना कर दिया था मोदी जी ने कह दिया था कि भाई मैं इस पर अपना एक्साइज ड्यूटी नहीं छोड़ूंगा ठीक है ना तो मैं तो अपनी एक्साइज ड्यूटी लूंगा ही सोलह चार का नोटिस आया वो आज हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे जब आई पढ़ेंगे तब डिस्कशन करेंगे अपडेट वेयर एक्ट तो दे दो वो मैंने आपको ग्रुप में दे दिया 31 जनवरी तक का अपडेटेड एक्ट मैंने दे दिया तो नेक्स्ट क्लास में यही कंटेंट रहेगा और सेक्शन नाइन का कंटेंट रहेगा शाम की छः बजे की क्लास जरूर होगी तो छः बजे की क्लास कितने बजे से हमारी अभिमन्यु बैच की क्लास सात है या छः कंफर्म एडवांस रूलिंग वाली एडवांस रूलिंग वाली कब है क्लास सात है साढ़े छः तो वो ग्रुप में अपडेट हो जाएगी तो वो उस टाइम पे क्लास होगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है एक बार देख ले तो भैया तुमने फ्लायर पे क्या डेट डाली है अभी मैंने न्यू बैच की क्लास तो एक जगह छः से नौ लिखा हुआ है मेरे पास जो फ्लायर है चलो तो सब लोगों को इन्फॉर्म कर रखा है ना कोई कन्फ्यूज ना हो अब मुझे फाइनल बताओ क्या है साढ़े छः है छः है सात है ये बोलो फटाफट फाइनल Final? फाइनल तो भाई अभिमन्यु बैच की क्लास सात बजे है एक घंटे का तुम्हारा ब्रेक है अभिमन्यु बैच वाले भी कुछ स्टूडेंट है इसमें तो एक घंटे का ब्रेक है तो एक घंटे के बाद हम अभिमन्यु बैच की क्लास लेंगे सात से नौ आप दो घंटे में ख़त्म हो जाएगा आज एडवांस रूलिंग है ठीक है ना फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट कवर होंगी बैच में आंसर इज यस आंसर इज यस तुम क्लास में शुरू से नहीं आए हमने वो सारी चीजें बता दी थी अगर किसी का कोई सजेशन है कोई इनपुट है बता सकता है हम दस मिनट पंद्रह मिनट बैठे हैं क्योंकि सात बजे से क्लास है यार ठीक है ना पहले नहीं बताया तुमने मैं तो नहीं तो इस क्लास को आधा घंटा और खे लेता चलो कोई नहीं हाँ जी सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास हो जाए अभी नहीं करेंगे अभी हमारा सैटरडे संडे अभी मेन्यू बैच चल रहा है तो जैसे अभी मेन्यू बैच खत्म हो जाएगा सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास करनी शुरू कर देंगे अभी नहीं, ठीक है ना अभी तुम पहले इतना इतना ग्रैब करो ठीक है so, शुरू से हो तो हमने शुरू में तो सारी प्लानिंग कैसे क्या करेंगे कैसे क्या नहीं करेंगे ठीक है क्लास कैसी लगी आप लोगों को बोलो क्लास कैसी लगी दस में से कितने नंबर दोगे हाँ ये कह रहे दस में से दस देंगे दस में से नौ देंगे चलो तो एक ना गूगल पे रिव्यू डाल देना गूगल का लिंक शेयर करेंगे तुम्हारे को तो गूगल पे रिव्यू डाल देना ठीक है ना कोशिश ये रहेगी सारी क्लास ऐसे ही सुपर पर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे अभिमन्यु वालों कुछ तुमने कुछ नया सीखा क्या अभिमन्यु अभिमन्यु बैच वालो अरे अभिमन्यु वालों जो अभिमन्यु से उसमें आए हैं अर्जुन में <laughs> नहीं मकर संक्रांति का कोई हॉलीडे नहीं है चौदह तारीख का कोई हॉलीडे नहीं है ठीक है ना दीपक सिंह कह रहे हैं सर कुछ अलग था आज ठीक है ना हर क्लास नहीं होती है सर नया तो होता ही है ठीक है ना सर कंसल्टेंसी के लिए आपको कैसे कांटेक्ट करें मेरी टीम को कांटेक्ट कर लो वो आपको बता देगी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो ठीक है गीता पाटिल कह रही है सर रिवीजन हो गया अभी मैं अच्छा, अगस्त में शुरू करा था तो अगस्त के बाद एक बार रिवीजन हो गया तुम्हारा है ना तो कुशल अग्रवाल जी वो टीम बता देगी फ़ीस का है ना तो अभी हम शाम को मिल रहे हैं एक घंटे बाद क्या पढ़ने अभिमन न्यू बैच की क्लास पढ़ने ठीक है ना तुम्हारी ये वाली जो क्लास है जो ये एडवांस रूलिंग पढ़ाऊंगा तुम्हारे बैच में लगभग छः महीने बाद आएगी पाँच पाँच महीने बाद ठीक है ना तो एक बार गूगल रिव्यू डाल देना माई फर्स्ट क्लास सर मज़ा आ गया गूगल रिव्यू डाल देना ठीक है जिन्हें मज़ा आ गया अटल सिंह अंसवाल जी शायद आप पहली बार हमारा कोई बैच ज्वाइन कर रहे हैं अटल सिंह अंशपाल जी सी ए अटल सिंह अंशपाल जी छत्तीसगढ़ से सर आप अपना रिव्यू दीजिए म्यूट करके आप पहली बार वेबिनार में तो थे ही ठीक है ना तो वेबिनार में तो थे ही पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं और भाई सुन लो मैंने तुम्हें बता दिया था कि इसके अलावा हम क्या करते हैं एवरी वीक वेबिनार करते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट वीक वेबिनार है वो 18 19 के और सत्रह अट्ठारह के ऑर्डर जो आए हैं उनकी प्रैक्टिकल अपील फाइलिंग कैसे करें उसके ऊपर सेशन है 149 रुपीज है उसका अगर उसे किसी को ज्वाइन करना होगा तो कर लेना उससे अगले आप... हाँ सर जी सर मैगजीन का मुझे पूछना था सर मैगजीन का मैगजीन कैसे ले सकते हैं अभी जनवरी से लेना था मुझे मैगजीन कैसे ले सकते हैं एक नंबर नोट करो एक नंबर नोट करो उस नंबर पे WhatsApp करो पेमेंट जैसे ही करोगे मैगजीन आ जाएगी या इस नंबर पे पेमेंट करके व्हाट्सअप कर दो ओके सर ग्रुप में भेज दिए ठीक है, है ना मैगजीन जनवरी oh. वाली कल रिलीज हो जाएगी ठीक है ओके ओके सर थैंक यू सर कुछ लोगों का कहना है सर संडे के अलावा ऑफिस होता है मत करना ट्राई करेंगे ना करें लेकिन कुछ टाइम तो करनी पड़ेगी ठीक है शाम के समय रखेंगे चाहे दो घंटे की रखें ठीक है ना ठीक है लिख तंबाकू ओपियम प्लीज़ क्लियर द सेंटर एंड स्टेट लेवी ऑफ टैक्स देखो लीकर पे ठीक है ना लीकर पे सिंपल स्टेट टैक्स लेती है बनाने पर भी बेचने पर भी तंबाकू के ऊपर सेंट्रल बनाने पर लेती है और जीएसटी लगता है बेचने पर ओपीएम पर स्टेट लेती है बनाने पर एक्साइज और जीएसटी लगता है बेचने पर निशा गेंगवार निशा गेंगवाल क्लियर हो गया ई e मैगजीन भी होता है फिजिकल कॉपी भी होता है दोनों होता है ठीक है तो किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा वो क्लास के बाद पाँच दस मिनट रुकेगा और अपने क्वेश्चंस को क्लियर करा लेगा बाकी लोगों को रुकना है वो रुक सकते हैं क्वेश्चन सुनने के लिए तो इसी तरीके से क्वेरी हम शॉर्ट आउट करते रहेंगे ठीक है तो क्लास कैसी लगी एक बार गूगल पे रिव्यू डाल देना ज़रूर गूगल पे रिव्यू डालने के लिए क्या करना है तुम्हारे को तुम्हारे जैसे पंद्रह सौ लोगों ने पहले ही रिव्यू डाल रखा है तो कपिल जैन क्लासेस पे जाना गूगल पर लिंक ग्रुप में वैसे दे दिया है लेकिन अगर किसी को जाना है तो यहाँ पर 1.6 लोगों ने रिव्यू दे दिया मतलब 1600 लोगों ने तो यहाँ पर रिव्यूज़ पे जाना और राइट है रिव्यू कर देना ठीक है ना फाइव स्टार का मतलब होता है अच्छा ठीक है ना फाइव स्टार का मतलब होता है अच्छा और कुछ लिखना भी ठीक है ना कुछ लिखना भी ठीक है तभी सबमिट करना तो ऐसे आप एक रिव्यू डाल सकते ठीक है जी क्लियर है चलो सर मैंने फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पर वीडियो देखा बहुत अच्छा लगा समझ में आया हाँ गूगल पर रिव्यू डाल देना सुपर से ऊपर बोस अगर सारे लोग ऐसे ही लाइव रहेंगे तो यही जोश लास्ट क्लास तक रहेगा तुम एग्जिट करते रहोगे तो मेरा जोश कम होता रहेगा तो चॉइस इज योर ठीक है चॉइस इज़ योर अगर कोई दोस्त भाई कोई ज्वाइन करना चाहता है इस बैच को ज्वाइन करा लेना पूछ लेना क्योंकि जब दो लोग होते हैं तीन लोग होते हैं तो तुम्हारा भी इंटरेस्ट बना रहता है ठीक है ना तो आप हमारा ये फ्लायर वग़ैरह शेयर कर सकते हो कोई अच्छी चीज़ शेयर कर सकते हो उन्हें ठीक है ना जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा ठीक है सर वेदर आर सी एम ईज एप्लीकेबल ऑन रॉयल्टी पेड टू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फॉर फिश फार्मिंग रॉयल्टी पर आर सी एम है ठीक है जब आर सी एम की क्लास कराएंगे सेक्शन नाइन थ्री तब वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे सर मैं आपका लेक्चर यूट्यूब पर देखता था तो कल मैंने क्लास परचेज कराया सर आज अर्जुन बैच में जो पाँच क्लासे हैं उससे बेसिक क्लियर हो जाएगा ना हाँ भैया उससे भी बेसिक क्लियर हो जाएगा यहाँ से भी आज बेसिक क्लियर तो कराया है मैंने रियलमी ठीक है ना रियल मी मैंने वहाँ से कराया तो है तुम्हारे को बेसिक क्लियर ठीक है ना ठीक है ठीक है जी चले तो क्लोज करें क्लास चलो जी कल की क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास मतलब